ओके गाइस, सॉरी भाई, मैंने जानबूझ के ही नहीं कुछ बोला था। तो कैसे हो भाई आप सभी लोग? वेट वेट वेट, मैं थोड़ा वॉल्यूम एडजस्ट कर लूँ। मैं माइक की, ऐसा लग रहा है मुझे फट रही है वॉल्यूम बिल्कुल। ओके, हेलो 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 हेलो, ओके नाउ इट्स फाइन। तो मेरी आवाज़ फट तो नहीं रही, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा था भाई। नो साउंड का क्या मतलब है? तो कैसे हो आप सभी लोग? काफ़ी लंबे टाइम बाद आए हैं हम माइनक्राफ्ट में, चोर बाजार के अंदर। और हाँ भाई, ये क्या बोर्ड लगा हुआ है? हैप्पी दिवाली चेक चेस्ट। ओ भाई, कितने हैं ये? होली क्रैप, 60 कॉइन भाई, किसने रख दिए ये इतने सारे? दिवाली का गिफ्ट यार काफी अच्छा है यार, वो भी इतने सारे कॉइन्स। 60 कॉइन है बे ये, समझ रहे हो भाई साहब? ये काफी ज्यादा है बे, किसने रखे भाई ये इतने सारे कॉइन? यार नाम तो दिया होता, पीछे तो नहीं लिखा? पीछे कोई नाम नहीं है भाई। चलो कोई ना, थैंक यू सो मच जिसने भी दिया है, एंड हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली और आपकी ऑडियंस। फेस कैम यार, फेस कैम मैंने अभी जानबूझ के बंद किया हुआ है, ऐसे ही यार मन नहीं था फेस कैम का। बाय द वे, ये रहा फेस कैम, तो ऐसे ही बंद किया यार, मन नहीं था बस ऐसे। कोई ना, एडजस्ट कर लो आप लोग, थोड़ी देर में ऑन करेंगे। खाना खाया था वैसे मैंने अभी, थोड़ा लेजी सा फील हो रहा था, एक्टिवनेस नहीं था, इसलिए मैंने फेस कैम बंद किया। तो भाई आज बहुत सारा एडवेंचर है, पहले मैं एक बार अपने कंट्रोल वगैरह चेक कर लेता हूँ, क्योंकि यार काफ़ी लंबे टाइम से मैं माइनक्राफ्ट में नहीं आया, तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं भूल गया हूँ। एक बार देख लेता हूँ किससे क्या क्या होता था भाई। ओके ठीक है, सब कुछ काम बढ़िया कर रहा है। इससे डैश लगता है, नाइस। और ये हमारा फार्म है, सही सलामत है ना? ओके भाई, सही सलामत है हमारा फार्म। चल रहा भी है क्या, बंद हो गया? चेक कर लेता हूँ। ओके चल रहा है भाई, फार्म चल रहा है, नाइस। और यार मैंने सुना था कि हमारे इस वर्ल्ड में एक एंडरमैन का फार्म भी बना हुआ है। लेट मी चेक, अगर एंडरमैन का, यार मैंने शॉप भी नहीं चेक किया अपने गांव में, मतलब हमारे चोर बाजार में, कि किसने क्या शॉप लगाई है भाई। अभी तक तो फिलहाल मैंने कोई शॉप नहीं खोली है, मुझे भी खोलनी चाहिए यार कोई शॉप। अरे प्रतीक भाई कैसे हो, कैसे हो प्रतीक भाई? आकाश, रंजन, वेलकम 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 ब्रो, वेलकम न्यू मेंबर, न्यू मेंबर, स्वागत है भाई आप लोगों का। भाई नए तो नहीं है, ये तो हमारे रेगुलर मेंबर है भाई। चलो गाइस, अब माइनक्राफ्ट में ये क्या भाई, सिक्योरिटी बढ़ा दी क्या? नीचे टैक्स पे करें क्या? ओ भाई साहब, ये क्या था? अबे मेरे को आवाज नहीं आई इसकी, ये क्या कचरा कर दिया यार इसने, कचरा कर दिया इसने तो पूरा यार। नीचे तो पूरी सुरंग खोद दी भाई उसने, ये तो बहुत गलत हो गया भाई, बंद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भाई बोला हुआ है जो खराब करेगा वही ठीक करेगा। वैसे तो एक क्रीपर ने खराब किया यार, मेरी गलती नहीं है, लेकिन चलो भाई कर देता हूँ मैं ठीक। यार काफी बड़ा ब्लास्ट किया यार उसने, यार इतने बड़े ब्लास्ट बेसिकली करते नहीं है, बट इसने तो कुछ ज्यादा ही बड़ा ब्लास्ट कर दिया भाई। भाई प्लीज अब दोबारे मत आ जाइयो ब्लास्ट करने, मैं रेडी नहीं हूँ। शायद यहाँ पे टॉर्च नहीं है इसलिए ब्लास्ट हुआ, तो ऐसा करता हूँ मैं टॉर्च लगा देता हूँ। ओके अब ठीक है यार, एक तो मेरे को, मैं थोड़े कंट्रोलर्स मेरे हाथ से छूट रहे हैं, क्योंकि यार मैं आर्क सर्वाइवल खेल रहा था ना, उसके कंट्रोलर थोड़े से चेंज हैं और इसके कंट्रोलर थोड़े से चेंज हैं, तो अभी शायद से मुझे 10-15 मिनट लगेगी इसको वापस से ठीक होने में। कोई ना, जब तक थोड़ा टूर मार लेते हैं अपने चोर बाजार का और थोड़ी चैट वैट पढ़ लेते हैं भाई। एक चैट नहीं पढ़ी मैंने, सिंगल चैट। अरे जय सारुन भाई, थैंक यू सो मच यार, वेलकम टू मोर लव। अरे भाई स्वागत है यार, जय सारुन भाई, कैसे हो मेरे भाई? अरे ये वाइन कुछ ज़्यादा ही नहीं गिर गई यहाँ पे देखो। अरे किसी ने शॉप नहीं खोली भाई, क्या बात है, दुकानदारी कब खोलोगे? ये किसका है, चेक कर लेता हूँ। ये ओनली वन का ही होगा पक्का, ब्रूम बेच रहा है, ये ओनली वन का ही होगा पक्का। कितने में बेच रहा है भाई साहब? प्राइस व्राइस कैसे देखते हैं इसमें? प्राइस नहीं देखना आ रहा मुझे, ये खाली पड़ी है।
भाई सिर्फ एक ही मशीन लगी और वो भी खाली पड़ी है यार, क्या हो रहा है भाई? बिजनेस बिजनेस नहीं चल रहे क्या लोग बागों के? मेरे को तो ऐसे लग रहा है बिजनेस नहीं चल रहे हो। एक सेकंड रुको भाई थोड़ा यार, मेरे को एक तो मैं इतने सारे पैसे लेके घूम रहा हूँ ना, मेरे को ना इनको डिपॉजिट कर देना चाहिए, और मैं अपने वॉलेट में भी देख लेता हूँ। ओके, एक कॉइन मेरे वॉलेट में भी पड़ा हुआ है भाई। देखो अभी ये दिवाली का गिफ्ट मेरे को बहुत पसंद आया यार, मैं अमीर हो चुका हूँ फिलहाल। फिलहाल मैं इनको जमा कर देता हूँ बैंक में यार, क्योंकि पता है ज़िंदगी का कुछ नहीं पता भाई, यहाँ पे कुछ भी टपक जाता है। फिलहाल इससे करता था ना मैं रीजनरेशन। नाइस, ओके। आज गाइस बहुत सारा अपने को एडवेंचर करना है, बहुत सारा एडवेंचर है भाई आज के इस मेन्यू में, बहुत तगड़ा तगड़ा। फिलहाल मैं एटीएम में पैसे जमा करने वाला हूँ। सेलेक्ट अकाउंट, माई अकाउंट, डिपॉजिट। ओके, मेरे को डिपॉजिट करने हैं, डिपॉजिट ऑल। अब मैं यहाँ पे अपना बैलेंस, ये रहा मेरा बैलेंस, 77 नेदरराइट कॉइन, 2 डायमंड के कॉइन, 5 एमरल्ड के, 1 गोल्ड का, 5 आयरन के, 2 कॉपर के हैं। कॉपर है ना ये, आई थिंक हाँ कॉपर है। तो भाई मैं इनको कभी भी विड्रॉ भी कर सकता हूँ। अपग्रेडेड मेंबरशिप, ट्रस्टेड लव, अरे थैंक यू सो मच भाई। जी जोशित वाईटी, जोशी वाईटी, कैसे हो मेरे भाई? स्वागत है आपका यार, वेलकम 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 गाइस। जितने भी लोग आ गए फटाफट से लाइक करो। यार देखो शॉप तो नहीं दिख रही है मुझे फिलहाल कोई भी, एक भी नहीं। मैं सोच रहा था यार कोई शॉप वॉप खुली होगी, बट शॉप वॉप नहीं खुली। रुको अभी यहाँ पे मैं एक एंडर फार्म दिखाने वाला था आप लोगों को, जो कि आई थिंक किसका है, आई थिंक ये उसका है, एमसीपी हिंदी का है ये। चल रहा है ये, ठीक से काम कर रहा है? ओके नाइस, काम कर रहा है ये। ओ भाई ये कुछ ज़्यादा खतरनाक काम कर रहा है, तो मैं इनको मार सकता हूँ ऐसे इधर। बाय द वे बहुत ज़्यादा अंधेरा है यार। अरे भाई क्या अंधेरा है भाई। बाय द वे मेरे को ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है इनका, क्योंकि मेरे पास जो आर्मर है काफ़ी ओपी किया हुआ है मैंने। ये बॉस आर्मर है भाई, बॉस से मुझे मिला था, एंड ये बचा हुआ है। ओके, कौन मार रहा है भाई? अंधेरे में कुछ दिख भी नहीं रहा यार। मेरे को टॉर्चों की बहुत सख्त ज़रूरत पड़ने वाली है ऐसा लग रहा है मुझे, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा थोड़ा सा ज़्यादा ही खतरनाक है ये नाइट विजन, मतलब मेरे को करना पड़ा करेगा भाई हर बारी। और एंड बाय द वे गाइस मेरे पास बहुत सारे एंडर पल हो चुके हैं, क्योंकि मेरी तलवार में लगा है लूटिंग 24, शार्पनेस 40, एंड मेंडिंग कुछ पता नहीं 6 है कितना है, और भाई सिल्क टच में एफिशिएंसी 20 है भाई साहब भगवान। और एक में इसमें सिल्क टच है और इसमें फॉर्चून है। फॉर्चून वाले को मैं घर पे रख के लेके जाऊंगा, इसको ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि फॉर्चून अपना भाई अपने को इधर ही ज़रूरत पड़ेगी फॉर्चून की। एंड फिलहाल गाइज मेरे को अपना बैकपैक खाली करना है, बहुत ज़्यादा भरेला है बैकपैक है यार, क्योंकि इस ऐसे इतना हैवी बैकपैक लेके मैं वॉल्ट में नहीं जाऊँगा, क्योंकि वॉल्ट में मर भी सकते हैं, और मरे तो पता है ना फिर क्या होता है, सामान नहीं मिलता कुछ भी। भाई अगर आप एक नेदरराइट से चेस्ट पीस बनाओगे और उसे डिसमेंटल करोगे तो 4 नेदरराइट मिलते हैं। अरे भरवेंद्र ये किस में होता है बताओ तो सही, कैसे करना है? ये तो बता दिया आपने कि होते हैं, बट होगा कैसे? वेट अ सेकेंड, कैसे होगा भाई? हाउ इज दिस पॉसिबल? नहीं रे ऐसा तो कुछ भी नहीं आ रहा मुझे। नेदरराइट गियर, नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें यार ब्रो। किसमें देख लिया तुमने ये? चेस्ट प्लेट से 4 इनगट मिलेंगे, ये तो गेम ब्रेकिंग हो जाएगा फिर ऐसे तो। बट होगा कैसे भाई ये भी तो बताओ। क्रिस्टल केक के साथ एनविल में कंबाइन करो, ठीक है करूँगा आज, आज करूँगा भाई। हेलो शुगम ठाकुरी, वेलकम टू द स्ट्रीम। डार्क बॉय कैसे हो भाई? जय भाई कैसे हो? जय भाई। वोल्ट लेजेंडरी ट्रेजर बनाओ, ठीक है ब्रो। क्रिस्टल को केक के साथ एनविल में कंबाइन करो, ठीक है आज करेंगे, आज पक्का करेंगे वोल्ट क्रिस्टल को, ठीक है। सन्नी भाई मेरा 107 पॉइंट्स है,
बट मैंने टॉप 20 में नहीं आ रहा हूँ और सबका 96-97 है। शायद कुछ तो दिक्कत होगी, चेक कर लेंगे भाई। मैंने अभी काफ़ी दिन से पॉइंट वॉइंट चेक नहीं किए यार अभी तक, और वो भाई किसी का रिवॉर्ड पड़ा वो भी उसको क्लेम नहीं दिया अभी तक, देना पड़ेगा भाई। सन्नी भाई ठीक है ब्रो। हाय सर कैसे हो? हेलो मिस्टर एपिक भाई कैसे हो? चलो गाइस फिलहाल मैं अपना बैकपैक खाली करने आया था और बातों में लग गए यहाँ पे। फिलहाल एंडर पल्स मैं सारे यहाँ रख देता हूँ, अभी मुझे एंडर पल्स की तो ज़रूरत नहीं है। और फिलहाल मैं गाइस अपना सारे का सारा जितना भी मेरे पास वो था ना, क्या बोलते हैं उसको, पैसे थे, वो सारे के सारे मैं डाल के आ गया हूँ बैंक में। तो अभी मेरे को पैसे खोने का तो कोई डर नहीं है भाई। फिलहाल ये सामान है ये खाली करना है मुझे अपनी इन्वेंट्री से। तो यहाँ पे तो थी वॉल्ट वाली लूट, ठीक है भाई, इसमें जाएगा वॉल्ट का सारा सामान। और ये वाला नया और मिला था मुझे, हाँ ये वाला नया और था। जय भाई थैंक यू सो मच फॉर 5 AED। यार ये कौन सा करेंसी यार, AED क्या होता है जय भाई, मुझे समझ नहीं आया। AED ये नहीं समझ आया मुझे क्या कौन सी करेंसी है। बाय द वे थैंक यू सो मच ब्रदर योर प्रीशियस मनी। चलो भाई यहाँ पे सारा सामान डाल रहा हूँ मैं वॉल्ट का, और जितना भी वेनिला का सामान है वो चेस्टों में चला जाएगा, ठीक है। यार मैं तो भूल भी गया कहाँ पे क्या सामान डाल रहा था मैं, कहीं पे भी डाल दे रहा हूँ फिलहाल तो अभी के लिए। हाँ फिलहाल अभी के लिए मैं कहीं पर भी डाल दे रहा हूँ। ये देखो नेदर राइट के बूट पड़े मेरे पास, वो तरीका बताओ चार कैसे निकलेंगे, मैं भी निकालता हूँ। हर्ष चौधरी भाई कैसे हो? हेलो ब्रो हाउ आर यू? मिश्रा हर्ष मैं एकदम बढ़िया, आप बताइए कैसे हो? एंड मेरे पास काफ़ी सारा ब्रॉन्ज पड़ा है ये भी रख देता हूँ। एंड बाय द वे यहाँ पे और भी सामान है भाई, टोटम ऑफ अंडाइंग शायद इसकी ज़रूरत नहीं है ना अभी, की रखूँगा अपने साथ में, की की बहुत ज़रूरत पड़ेगी मुझे अंदर। ओके इसकी ज़रूरत नहीं है, इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। और आज गाइस स्पेशल वाली चीज़ें भी ढूंढेंगे भाई, स्पेशल वाली चीज़ों से मेरा मतलब है कि जो वो स्पेशल डोर होते हैं ना, जो छुपे हुए डोर होते हैं उनको भी ढूंढेंगे आज, इसीलिए मैं की लेके जाऊंगा अपने साथ सारी की सारी, ठीक है। ये मैंने वॉल्ट का सारा सामान भर दिया है। ये नेदर राइट वगैरह भाई कीमती सामान है, इसको यहाँ रखो। ओके चलो अभी तो फिलहाल मैंने ऐसे ही रख दिया, कोई भी सामान कहीं पे भी रख दिया है भाई, बाद में इनको सेटअप कर लेंगे। फिलहाल मेरे को बहुत सारी टॉर्चें बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि टॉर्चें यार मेरे को थोड़ी बहुत लगेंगी अंदर। वैसे तो मेरे पास नाइट विजन है बट फिर भी टॉर्चें लगेंगी यार, ये है पक्का लगेंगी मेरे को। चलो जितनी बन रही है बना लेता हूँ, आई थिंक 1.5 स्टैक के करीब बन गया, नाइस लेट्स गो। चलो गाइस प्लीज टेक माय नेम। अक्षय गेमिंग कैसे हो? मैं थोड़ी इसका वॉल्यूम कम कर लेता हूँ, और गेम का वॉल्यूम भी आई थिंक मुझे थोड़ा कम कर लेना चाहिए, क्योंकि ये विलेजर ना बहुत ज़्यादा पका रहे हैं यार, हाँ हाँ कर रहे हैं ना ये। हाँ यस अब ठीक है, अब ये हाँ हाँ नहीं करेंगे। ब्लॉक का और फूड्स का थोड़ा सा इस बढ़ा लेता हूँ। ब्लॉक्स जुक्स प्लेयर लेट्स गो। ओके नीलक शर्मा भाई थैंक यू सो मच फॉर अपग्रेडिंग योर मेंबरशिप, थैंक यू सो मच भाई नीलक्ष भाई। सनी भाई डू और डाई का अपना अलग ही मजा था, अब तो सब साथ में होते ही नहीं हैं। अरे प्रतीक भाई होंगे, सब साथ में होंगे, टेंशन ना लो, मैं बुलाऊंगा ना सबको भाई। चलो गाइस अभी चलते हैं वॉल्ट की, वॉल्ट के अंदर। और हाँ लास्ट टाइम मैं ये वाली चेस्ट लूट के आया था ना, जहाँ पे मेरे को एक ब्रोकन की मिली थी, बट यार अभी इसका कोई काम नहीं है की का मेरे पास। फिलहाल इसके अंदर से मैं वॉल्ट का सामान निकाल लेता हूँ, और ये वॉल्ट का सामान आएगा इस वाले में, ठीक है। टॉर्च को छोड़ के भाई ये वाली मिली थी मुझे लास्ट टाइम। गाइस आज आर्मर का जुगाड़ करना है यार अपने को, आर्मर का क्या क्या चीज़ करूँगा यार आज मैं, मेरे को थोड़ा रेगुलर रहना चाहिए था यार, अब मेरे को बहुत काम करना पड़ेगा।
फिलहाल यार मेरे पास चेस्ट प्लेट और लेगिंग नहीं है, इसका भी जुगाड़ करेंगे आज। फिलहाल मेरे को खरीद के लाने हैं थोड़े से क्रिस्टल। ले मी चेक, मैं क्रिस्टल लेके आया था ना, वोल्ट क्रिस्टल। क्या मेरे वोल्ट क्रिस्टल ख़त्म हो गए? आई थिंक मेरे पास वोल्ट क्रिस्टल थे ही नहीं। शायद मुझे खरीद के लाने पड़ेंगे वोल्ट क्रिस्टल। क्या मेरे पास वोल्ट क्रिस्टल थे? नहीं थे। मुझे वोल्ट क्रिस्टल खरीद के लाने पड़ेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो ले आते हैं, क्या दिक्कत है भाई। ऊपर भी गाइस थोड़ा सामान चेक कर लेता हूँ, क्योंकि यार काफ़ी टाइम बाद आया हूँ, तो मेरे को पता नहीं है कौन सा सामान कहाँ पे रखा है। इसमें तो एंडर पल्स है, इसमें कुकी है, और यार नीचे में एक चीज़ भूल के आ गया यार, ये लेके आनी है मुझे। मुझे कुकी नहीं रखनी इसके अंदर। हाँ गई कुकी, ये रही। ये कुकी तो खानी है मुझे तुरंत की तुरंत भाई, इससे तो लेवल अप होता है। ठीक है, बाय द वे मेरे पास 2 स्किल पॉइंट्स हैं, मैं 5 स्किल पॉइंट्स वेट कर रहा हूँ। 5 से थोड़ी अच्छी चीज़ हो जाती है भाई। नहीं है कुछ स्पेशल मेरे पास। चलो चलो गाइस खरीद के लाते हैं। बाय द वे गाइस मेरे को कोई फॉल डैमेज नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने अपने स्किल्स पॉइंट ओपन कर रखे हैं। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा, तो काफ़ी सारे स्किल पॉइंट खोलने का यही फ़ायदा होता है कि भाई आप लोग पावरफुल बनते चले जाते हो, और धीरे धीरे तो मैं अपने हार्ट भी बढ़ाने वाला हूँ। ठीक है भाई, अभी फ़िलहाल मेरे को क्रिस्टल ख़रीदना है यहाँ से। हेलो चचा, कैसे हो? हाँ तो ये रहे भाई क्रिस्टल। अरे यार क्रीपरों ने जिंदगी झंड कर रखी है भाई मेरी, क्या हो रहा है ये? इतने क्रीपर कहाँ से आ रहे हैं ये, और ये मेरे पीछे ही क्यों आ रहे हैं? मैंने क्या खा रखा है यार इनका, ये तो काम ही खराब कर रहे हैं। इतने क्रीपर आ रहे हैं, क्या ही बताऊं, मेरे जान के पीछे पड़ जाएंगे यार। सरकार, चोर बाजार की सरकार। ये लो भाई, टूटा फूटा जैसा मेरे को सही करना था मैंने कर दिया, बाकी अब अपने आप देखते रहना इसको। ठीक है, चलो एक दूसरे को क्या देख रहे हो? यहाँ देखो, पैसे चाहिए भाई मेरे को, चीज़ खरीदनी है। 5 नेदरराइट कॉइन का एक था, तो अब मुझे नेदरराइट के कॉइन विड्रॉ करने पड़ेंगे थोड़े से। मैनेज अकाउंट, विड्रॉ। 1 2 3 4 5, और 5 2 तो है ना मेरे पास, तो 8 निकाल लेता हूँ, तो ये हो गए 10। तो इससे मैं 2 तो खरीद पाऊंगा। लेट मी चेक, 1 2, नाइस। तो भाई 2 वो वोल्ट क्रिस्टल मैंने खरीद लिए हैं, लेट्स गो। चलो भाई, ये क्या हो रहा है, ये क्या क्या हो रहा है, कहीं से कुछ कुछ गिर रहा है भाई। चलो, बॉस क्रेट में बैग है, उसमें क्रिस्टल है। ओ हाँ यार, मेरे को याद आया, एक बैग में मैंने क्रिस्टल रखे थे। यास भाई, क्या ही है तुम लोगों की भाई, क्या मेमोरी पावर है यार। याद आया मेरे को यार, मैंने काफी सारे क्रिस्टल खरीदे थे, है ना? एक सेकेंड रुको। चलो आज विदर को भी मारेंगे यार, विदर मारने से नेदर स्टार मिलते हैं ना काफी सारे, और वो नेदर के कॉइन भी मिल जाते हैं। चलो भाई, मैंने हाँ रखे थे यार, छुपा के रखे थे मैंने क्रिस्टल, याद आ गया, सही याद दिलाया। बॉस क्रेट में एक बैग होगा, उसके अंदर था, ये रहा बैग। ओहो भाई क्या मेमोरी है तुम लोगों की। ओ ये रहे, नाइस भाई, क्या ही याद दिलाया यार। अच्छा तो मेरे को केक मिलाना था वॉल्ट क्रिस्टल के अंदर, तो केक मेरे पास, केक तो है नहीं यार, फिर मैं केक मिलाऊंगा कैसे? क्रिस्टल में केक मिला हुआ ना, केक तो ऐसे ही बनेगा। 1 2 3 बोतल, 2 शुगर 3 ये वीट। क्या मेरे पास सामान है? लेट मी चेक। हे धार्मिक, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मेंबरशिप। संगीता कुलकर कुलकर्णी, थैंक यू सो मच फॉर अपग्रेडिंग योर मेंबरशिप। गाइज आप लोग भी अपग्रेड करते रह करो भाई अपना मेंबरशिप वगैरह। 1 2 3, 2 अंडे चाहिए होंगे मुझे। अरे भाई थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग गाइज, सब्सक्राइब वगैरह करते रहो यार, मोटिवेशनल मिलता रहेगा मुझे थोड़ा बहुत। और लाइक करना तो भूलना मत, फिर मैं इसी बात पे म्यूजिक का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाता हूँ, ताकि थोड़ा सिनेमैटिक म्यूजिक आए। हाँ भाई, केक बनाने के लिए चाहिए था मुझे, 2 शुगर केन भी चाहिए भाई। वेर इज शुगर? ये रहा शुगर। 1 से 2 मिलेगा, एक ही मिल रहा है यार, एक और सही है शुगर। आई थिंक शुगर केन मेरे पास पड़ा भी है,
और मुझे दो अंडे चाहिए चिकन के, नॉर्मल अंडों से काम नहीं चलेगा भाई, चिकन वाले अंडे चाहिए। ये लो शुगर, दो शुगर हो गया, केक बनाने का पूरा हिसाब किताब होता जा रहा है। तीन बकेट भी चाहिए मुझे, तीन बकेट के लिए तो मुझे थोड़ा आयरन निकालना पड़ेगा ना। लेकिन उससे पहले मुर्गियों के अंडे कहाँ से लाऊं? एक बकेट। केक मिलाने से होगा क्या भाई? दबे गाइस ये तो बताओ भाई, मैं डेली लेट हो जाता हूँ, प्लीज़ मुझे टाइम बता दो, तुम कितने बजे से स्टार्ट करते हो अपना स्ट्रीम? अक्षय गेमिंग भाई, मैं लगभग 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में अपना लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करता हूँ। अगर 8 बजे के बाद ज़्यादा टाइम हो जाए तो फिर नहीं करता मैं। अच्छा, मेरे को अंडे चाहिए और मेरे को चाहिए भाई बकेट, ठीक है यार। अंडों का जुगाड़ कहाँ से करूँगा यार? मुर्गियाँ तो मैंने देखी नहीं है यहाँ पे आसपास कहीं पे। मैं ऐसा करता हूँ, वोल्ट चलते हैं, ठीक है। पहले एक वोल्ट रन कर लेते हैं, फिर उसके बाद कर लेंगे जो भी हिसाब किताब होगा, अंडों अंडों का देख लेंगे, है ना। केक वेक मिला लेंगे अभी तो, अपने आज अपने को काफ़ी सारे वोल्ट रन करने हैं वैसे भी। चलो पहले लेके आते। अच्छा, वोल्ट क्रिस्टल तो है मेरे इन्वेंट्री में, और ये सामान यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। चलो भाई लेट्स गो, वोल्ट चलते हैं। क्या मेरे पास सारा सामान है? यस। क्या मेरे पास एंडर आई है? यस। क्या मेरे पास एंडर पल है? यस यस यस। लेट्स गो, सारा सामान रेडी है गाइस। क्या मेरे पास की हैं? मेरे पास सारी की हैं। चलो भाई, क्या मुझे फॉल डैमेज पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, ये तो और भी मस्त चीज है। लेट्स गो, वॉल्ट हमारा ओपन हो चुका है गाइस। विनर का अनाउंस हुआ प्रतीक, विनर तो काफी पहले अनाउंस हो गया था यार। चलो भाई, हम वॉल्ट के अंदर आ गए हैं। अब मैं यहाँ पे अपना पुराने वाला जो ये मार्क है इसको डिलीट करने वाला हूँ, और एक नया मार्क लगाने वाला हूँ यहाँ पे, काफ़ी बड़ा रीनेम करके इसका, ताकि मेरे को दूर से ही दिख जाए भाई, ये देखो, ठीक है। अब मैं वॉल्ट में फ्रीली कहीं पर भी जा सकता हूँ, बट जाने से पहले मुझे नाइट विजन चाहिए होगा ताकि मैं यहाँ अंदर अच्छे तरीके से देख पाऊँ। और साथ में ये, और ये पापा से भिड़ोगे? पापा से नहीं भिड़ना चाहिए, मर जाओगे ना तुम इसलिए। चलो भाई, मेरे को 6 ऑब्सलिक ढूंढने हैं। होली क्रैप। और गाइस देख रहे हो, पहली बारी में किस्मत इतना अच्छा है कि अपने को विलेज मिला है। बट मैं सोच रहा हूँ विलेज को हम बाद में देखें यार, समटाइम्स विलेज में अच्छा लूट होता, समटाइम्स नहीं होता। और मैंने तो देखा भी नहीं ये वॉल्ट मेरा कैसा होने वाला है, तो एक बार वॉल्ट चेक कर लेते कैसा होने वाला है। ग्लाइडेड वॉल्ट। अब ग्लाइडेड वॉल्ट कौन सा होता है भाई? हेलो, ग्लाइडेड वर्ल्ड कौन सा होता है? अरे मर जा भाई, क्या यार इतने ज़्यादा बंदे क्यों आएंगे भाई? चलो, मैं ज़्यादा कुछ सामान उठाने वाला नहीं हूँ भाई, सिर्फ काम का सामान उठाऊंगा, ठीक है। वन शॉट किल, नॉट ए बिग डील ब्रो, नेवर अंडर एस्टिमेट टू माई पावर ऑफ नाइट विजन एंड स्वॉर्ड ऑल्सो। अरे भाई मर जा। चलो गाइस, अपने को आज 6 ऑब्सलिक ढूंढने हैं भैया। यार ये कुछ ज्यादा ऑप्शन नहीं दे दे, गेम पागला गया है क्या? गेम पगला गया है मुझे लग रहा है। चलो फिलहाल यहाँ पे डायमंड मिल चुके हैं अपने को, और ये जगह हमने तलाश ली, इसलिए इस जगह को मार्क करेंगे। पहले जाएंगे सीधे, ठीक है, पहले जाएंगे सीधे डेड एंड तक जाएंगे, फिर उसके बाद। ओके, सामने एक ऑप्शन और है, देखा, डेड एंड पे जाने का फायदा होता है भाई, क्योंकि वहां पे ऑप्शन मिलता है। ये रहा, और यहाँ पे चेस्ट भी है, अच्छे वाला चेस्ट है, बहुत बढ़िया। और भाई साहब, मैं ऊपर जाके देखना चाहूँगा, क्योंकि इसमें कई बार ऊपर सामान मिलता है अच्छा खासा, ठीक है। ऐसा लग रहा है मुझे कि रोशनी बहुत कम नहीं हो रही है। रोशनी तो ठीक है यार, फिर इतना कम सा क्यों हो रहा है? पता नहीं क्यों रोशनी बहुत कम दिख रही है, आप लोगों को भी कम ही दिखेगी, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। चलो, वैसे मुझे एम्बरल्ड की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एम्बरल्ड में अपन अंबानी है, बट अपने को माल तो चाहिए भाई। ये देखो ना, हिडन चेस्ट, हिडन चेस्ट में मिलेगा असली माल। लाइक करते रहे गाइस, हिट दैट लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर आप चैनल पे नए हो तो इसी बात पे देखो, आपके लाइक करते के साथ ही मुझे एक कुकी मिल गई, बहुत बढ़िया। और नीचे भाई, ओहो नीचे तो खजाना है पूरा का पूरा, एक कुकी और मिल गई, बहुत बढ़िया भाई साहब, गजब का चारा। अभी तक तो मैच मैच नहीं रहे हमारा बोल्ट।
ओ ये गजब, ये वाली भाई मस्त चेस्ट थी। जो अच्छी चेस्ट होती है ना उस पे ऐसे आवाज आते हैं टनन, मतलब वो हाई लूट वाली चेस्ट होती है, हाई लूट वाली चेस्ट थी। और जैसे जैसे गाइज मेरा लेवल अपग्रेड होता रहेगा ना, वैसे वैसे आप लोगों को मैं बता दूं कि उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट वॉल्ट आएगा, उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट बॉस भी आएंगे। ठीक है, शायद ऊपर भी है कुछ, नहीं छोड़ो। चलो फिलहाल मैं जाने वाला हूँ इधर की साइड। ठीक है, हाँ आई थिंक मैं किधर से आया था, मैं उधर से आया था, तो मुझे इधर जाना चाहिए डेड एंड की तरफ, ताकि भाई डेड एंड तो देख लो। और सामने मेरे को एक और ऑप्सलिक दिख रहा है भाई, ये तो बहुत ही गजब बात है भाई। अभी मेरे को सिर्फ 3-4 मिनट हुए वॉल्ट के अंदर आए हुए, और मेरे को 3 ऑप्सलिक मिल गए। ओ हो, किस्मत। मतलब ग्लाइडेड है वो, ये वॉल्ट यार ग्लाइडेड का मतलब, ओ हो, ये होता है ग्लाइडेड का मतलब, माय बैड। ठीक है भाई, अब बंद भी कर दो भाई, खाना खा लेता हूँ थोड़ा। समटाइम्स इट हैपन गाइस, नथिंग बिग डील, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है भाई, वॉल्ट एंटर है, कुछ भी हो सकता है। ये क्या चेस्ट है? लेवल 16 ले लेगा और ये चेस्ट खुल जाएगी। क्या ये वर्थ इट है? ये कौन सा आएगा, टर्टल है, वर्थ इट नहीं है यार, ये मेरे लेवल खराब हो गई, बेकार चेस्ट थी बिल्कुल, एकदम बकवास चेस्ट। ये फटेगी तो नहीं? ओ भाई मैं डर गया था भाई, दिवे फट जाती। अबे बच्चे किसने छोड़ दिया तुझे? पापा भी आए हैं साथ में इसके, और वो भी इतने सारे नाजायज औलाद, हरामी बच्चे। स्कूल में जाने की उम्र में यहाँ पे जोम्बी जोम्बी खेल रहे हो तुम भाई। प्लीज आप 10 o'clock तक स्ट्रीम करना। चलो ठीक है, आज कर लेंगे आज। ये डेड एंड है गाइस, यस दिस इज द डेड एंड, तो अपने को वापस जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे ये यह आते रहेंगे फिर नमूने। वो चेस्टें लटक रही है भाई, कुछ हो भी सकता है उन चेस्टों में बाय द वे। बट यार छोड़ो ना यार, चेस्टों में ज़्यादा अच्छा माल नहीं मिल रहा आजकल, ये तो देख ही ली थी मैंने। चलो गाइस आज तो खैर नींद जुम्बो इसकी। नाइट विजन से कितना अच्छा लगता है देख रहे हो आप लोग, एकदम सब कुछ क्लियर दिखता है वॉल्ट में। आप लोगों को भी देखने में मज़ा आता होगा, मेरे को भी खेलने में मज़ा आता है। मैं इधर से आया था क्या? आई थिंक मैं इधर से नहीं आया, यस मैं इधर से नहीं आया, क्योंकि मैं जहाँ से जाता हूँ ना इस वाले रास्ते में मैं हमेशा टॉर्च लगाता हूँ। ओके मैं इधर से ही आया था, मैं इधर से आया था, किधर से आया था? नहीं मैं शायद इधर से नहीं आया यार। ये फिर टॉर्च किसने लगाई है? तो टॉर्च मैंने लगाई थी। अच्छा मैंने नहीं लगाई क्या? अच्छा मैंने तो लगाई थी ये टॉर्च। मर जाओ यार, देख रहे हो जैसे जैसे मतलब मैं आगे बढ़ रहा हूँ ना, वॉल्ट थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि भाई डिफिकल्ट आएगा ही आएगा, क्योंकि मेरा लेवल अप होता जा रहा है, और जितने ज़्यादा मेरे लेवल अप होते जाएंगे ना वॉल्ट के, जैसे मेरे अभी 8 लेवल हो गए हैं। ओहो ट्रैप था ये वाला, मेरे को लेवल भी इकट्ठे करने हैं गाइस, क्योंकि लेवल होंगे तभी तो मैं चेस्टें खोल पाऊंगा अदर। चलो गाइस फास्ट, चलो फास्ट, लेट्स गो। इस जगह को मैं जानता हूँ डेफिनेटली, मुझे पता है यहाँ पे लूट कहाँ मिलती है। ओके यहाँ पे डायमंड है, बट डायमंड को देख के लालच में नहीं आना, क्योंकि यहाँ पे डायमंड से भी ज़्यादा कीमती चीज़ें पड़ी होती हैं, बस वो ढूंढनी है मेरे को, जैसे कि ये वाला चेस्ट। ये क्या बता रहा है, 1 मिनट वोल्ट का? ना भाई ना ना, वोल्ट का टाइम नहीं घटाऊंगा मैं भाई, ये वाली चेस्टें सबसे घटिया होती हैं, कभी भी मत लेना आप लोग आओ तो वोल्ट में, क्योंकि भाई टाइम बहुत प्रीशियस है इसमें यार, 1 मिनट में क्या पता तुम क्या कर लो। वहाँ पे एक चेस्ट है, फॉल डैमेज मुझे नहीं लगने वाला किसी भी कीमत पे भाई। ये छुपा छुपा के चेस्टें रखते हैं ना भाई, ये बड़े गुस्सा आता है मेरे को, सामने रखने में क्या जा रहा है, छुपा छुपा के रख रहे हो जो। ओके एक चेस्ट यहाँ ऊपर थी, इधर ही थी ना, हाँ यहाँ है ऊपर। ओके आजा भाई आजा बच्चे, इतनी ऊपर चढ़ा मैं इसके लिए? अबे यार बकवास चीज है यार। देव वो
भाई बाबू आ गया हमारा। नहीं आई थिंक ये तो मेरा वो है वॉल्ट। मुझे थोड़ा सा इसमें नीचे भी जाना चाहिए यार मुझे वैसे, क्योंकि नीचे भी लूट होता है इसमें और बहुत तगड़ा लूट होता है। ओ देखो केक मिला, ये केक है, ये वॉल्ट केक है गाइस, इसको खाने वाला हूँ मैं, डेफिनेटली खाऊंगा भाई। ये गाइस पहले मुझे लगा कि मैंने खराब कर दिया, बट मैंने खा लिया उसको। यहाँ पे कुछ कीमती और मिलते हैं जो कि मैं लेने वाला हूँ, जो कि यहाँ की साइड मिलते हैं ऊपर की साइड, बट इधर है नहीं। अरे यार रुको, इधर है क्या? इधर भी नहीं है। अरे देबू नहीं यार, वो बटन दबा रही है बाबू। ओके ये पॉइजन ट्रैप था, ये ट्रैप नहीं है। दीपा ले ले, देबू ने डर गया देख। अबे यार शिट, ये मार देंगे मेरे को ज़ॉम्बीज। देख डर गया, मैं इसने ऐसे बोल रहा ना तेज की तो डर गई। ले ले, नहीं इसने उठा ले। चलो गाइस अच्छा सा और ढूंढते हैं यार। ओ ये रहा। नहीं यार अच्छे, और ये तो वेनिला वाले हो रहे, ये नहीं चाहिए मुझे, मुझे बढ़िया वाले और चाहिए। ये तो बहुत नॉर्मल से हैं भाई। एक और रोपड़ा भाई। चलो गाइस ऊपर निकलते हैं फिलहाल, क्योंकि मेरे को डायमंड्स तो नहीं चाहिए यार। अभी मैं यहाँ पे असली चीज़ लूटने आया हूँ, वो मिल नहीं रही है। डायमंड और एमरल्ड ही मिल रहे हैं जो कि मुझे नहीं चाहिए, डेफिनेटली नहीं चाहिए भाई। लेट्स गो। ओके मेरे पास और ब्लॉक नहीं है, तो मुझे डैश आने का वेट करना होगा। डैश आ गया है मेरा, लेट्स गो, आ गया मैं ऊपर। चलो भाई ये लूट ली थी मैंने, क्या ये डेड एंड है? नहीं। चलो गाइस इस साइड चलते हैं, इस साइड में नहीं गया मैं। जिस भी पाथ में जाऊंगा तो ये टॉर्च लगाऊंगा ताकि मुझे याद रहे कि मैं इस पाथ में आया हूँ। देखो मैंने यहाँ पे टॉर्च लगाई हुई है, इसका मतलब मैं यहाँ पे आया था, ठीक है। अब इसके दूसरी साइड जाऊंगा मैं। ओके नेदर स्क्रैप, वेरी गुड। ये चेस्ट अच्छा था तभी इसमें आवाज आया है, एंड आई नीड दिस। ओ भाई साहब ये चेस्ट इससे भी टॉप क्लास था भाई, तभी इसमें आवाज आया। लेट्स गो भाई। मैप से, हाँ मैप से भी पता लगा सकता हूँ मैं। आई नो, मैप से सीक्रेट डोर देख सकते हैं क्या? नहीं रे, मैप से सीक्रेट डोर कैसे देख पाएंगे बताओ। अच्छा ओके, हाँ देख सकते हैं मैप से सीक्रेट डोर। सही कह रहे हो यार तुम, बिल्कुल सही कह रहे हो। अबे कौन मार रहा है यार, मत मारना भाई। गाइज मेरे से कुछ छूट जाए तो प्लीज मेरे को बताना कि ये छूटा है भाई। मैप से सीक्रेट डोर देख सकते हैं, ये तो बात सही बोली, बट बाय द वे क्या ये डेड एंड है? क्योंकि यहाँ पे मुझे रास्ता नहीं दिखा रहा है और कोई छोटे मैप में। यस ये डेड एंड है, तो भाई मैं सीक्रेट डोर देखने वाला हूँ मैप में। मुझे आइडिया अच्छा दिया है वैसे ये, ठीक है मैं भी देखूंगा, आप लोग भी देखना। मैं सारा का सारा ये सामान इसमें डालने वाला हूँ पहले तो, और ये सामान मैं फेंकने वाला हूँ। ओके यहाँ पे पहले मैं बैग का ये बंद करूंगा ऑटो पिकअप। नाइस ओके, ऑटो पिकअप मैं इसका ऑफ ही रखता हूँ यार, कई बार ये फालतू की चीजें भी उठा लेता है। चलो लेट्स गो। ओके मेरे को एक एक और दिख रहा है बॉस का ऑप्शलिक, तो मैं चार ऑप्शलिक ढूंढ लिए, एक ऑप्शलिक हो रहा सामने, इसमें टॉर्च लगा देता हूँ ताकि थोड़ा रिमेम्बर रहे। अब मैं ना बॉस को बहुत ज़्यादा रिफर करता हूँ यार, बॉस को मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम वॉल्ट में आ रहे हो, बॉस नहीं मारा तो समझो तुमने वॉल्ट अपना ख़राब कर लिया, क्योंकि वॉल्ट बॉस जो लूट देता है ना भाई, वो मस्त लूट होती है, इपिक लूट होती है वो। हाँ एक रास्ता यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे भी मेरे को की नहीं दिख रहा है।
क्योंकि की वाली जगह में ना आर्मर मिलने के चांस होते हैं भाई, समझ रहे हो? और की मुझे मिले, की वाला रास्ता मुझे मिलेगा किसी सीक्रेट वॉल्ट में। ये कैसा वॉल्ट है भाई? ओके की मिल गया, नाइस गाइस। आई थिंक वहां पे है ऊपर, मैं देखता हूँ, रुको। की वाला रास्ता है यहाँ पे, 100% है, मेरे को दिख रहा है मैप में। ओके बॉस ऑब्सलिक भी है यहाँ पे, डायमंड का ब्लॉक भी है भाई, बहुत चीज़ें हैं यहाँ पे। इधर ही कहीं है वो की वाला रास्ता, देखना पड़ेगा मुझे कहाँ पे है। नीचे तो नहीं है कहीं? पहले नीचे, ओ ये रहा, ये है क्या? नहीं यार ये तो नहीं है, लेकिन दिखा रहा इधर ही की साइड है भाई। नहीं यार इधर नहीं दिखा रहा, क्या पानी के नीचे है? ओ ये रहा, नाइस। कौन सी की है? गोल्ड की है, यस। बैग खोलो, गोल्ड। आई थिंक यही है क्या, लेट मी चेक। ओली क्रैप, खुल गया खुल गया खुल गया। ओ भाई मेरा पहला डोर खुला भाई, पहली बार खोला है गाइस मैंने। बहुत माल मिलने वाला है भाई इसके अंदर, लेट्स गो। हो भाई क्या आइडिया था यार ये मैप में देखने वाला, ना गजब आइडिया भाई साहब, थैंक यू सो मच ब्रो, मेरे ज्ञान चक्षु खोलने के लिए। ओ भाई क्या माल मिल रहा है इसमें यार, ये वाले ब्लॉक्स ना डायमंड से भी कीमती हैं, पता है आप लोगों को? ओके मैं उठा रहा हूँ इनको सबको, जो जो मिल रहे हैं, लेट्स गो। और क्या है यहाँ पे भाई साहब? एमरल्ड है, ठीक है यार। ये टूट काहे को रहा है? ठीक है, ऊपर एक चेस्ट भी है, चढ़ जाओ ऊपर। हाँ भाई टूट टूट। हो भाई साहब, अबे क्या क्या मिल गया ये! वेट गाइस, बहुत तगड़ा माल मिला है भाई, घर पे जाके देखेंगे भाई, माल मिला है मस्त। ओके नाइस गाइस, ये गजब है भाई, मजा आ गया। क्या ये स्पॉन हो रहे क्या? मैंने उठाए नहीं अभी तक, हाँ मैंने उठाए नहीं अभी तक भाई। लूट देगी तुम लोगों ने, क्या लूट थी है गजब यार। थोड़े से पत्थर और रहते हैं, वो भी तोड़ ही लूँ, ऊपर चढ़ जाता हूँ। चलो लेट्स गो, ये भी ले लो। ओके आई थिंक एक चेस्ट हो रही है ये रही नीचे। इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं था, एक नेदरराइट का इनगट मिल गया, बर्गर पैटी, नाइस। लेकिन भाई वो ऊपर वाला चेस्ट एक नंबर का ओपी था। और कुछ यहाँ पे मेरे काम का? और कुछ नहीं है। बाय द वे गाइस, भाई ये की गजब है यार, ये की मेरे को खरीदनी है भाई, वर्थ इट है भाई ये की, बिल्कुल वर्थ इट है एकदम। अबे मैं कहाँ आ गया, ये रहा डायमंड का ब्लॉक भाई, ये की वर्थ इट है गाइस, मैं और खरीदने वाला हूँ ये की, ठीक है। एटलीस्ट दो दो तो होनी चाहिए मेरे पास। चलो एक ऑप्शन बचा है गाइस, देन आई एम गोइंग टू घर, और मुझे नहीं पता वो कहाँ मिल सकता है। बाय द वे ये डेड एंड है भाई, ये आइडिया अच्छा था मैप में देखने वाला, ना बहुत जबरदस्त आइडिया है। मैप में साफ साफ दिखता है भाई की वाला रूम, छोटे मैप में ऊपर। लेट्स गो, अब तो भाई खुशी का ठिकाना नहीं, बस सही सलामत घर पहुंच जाऊं, और कुछ ना चाहिए जिंदगी में, बस एक बार बॉस फाइट और हो जाए, मतलब एक ऑप्सलिक और मिल जाए, एक ही रहता है। शायद मैं इस वाले ऑप्सलिक में यहाँ पे नहीं गया, आई थिंक। क्या मुझे मिल गया ऑप्सलिक? लेट मी चेक, क्योंकि नया नई जगह है ये वाली। ये कुछ अलग सी लग रही है यार, ओ ये जगह बहुत अलग है, मैं पहली बार तो आया हूँ शायद इस जगह पे। थोड़ा सामान कम कर लेता हूँ इन्वेंट्री से, क्योंकि फालतू का भी पड़ा हुआ है। ये क्या है? कोल है क्या? ब्लैक कंक्रीट नहीं चाहिए यार, वैसे ड्रॉर भी नहीं चाहिए देखा जाए तो, लीड भी नहीं चाहिए भाई। एक चेस्ट हो रहा है यहाँ पे, अरे मैं नीचे गिर गया यार, हंसना नहीं है यार मुझे, क्योंकि मैं यहाँ पे फंस गया तो बहुत बुरा होएगा। ओके मैं ऊपर आ गया, ये चेस्ट चेक करता हूँ, कुछ नहीं है यहाँ पे काम का, तो यहाँ से निकलते हैं। अब मुझे चॉकलेट रखनी पड़ेंगे अपने पास, क्योंकि चॉकलेट मुझे स्पीड देंगी, और जितनी मेरे पास स्पीड होगी मैं उतना फास्ट जा पाऊँगा। तो अब मैं चॉकलेट मिलेगी तो मैं बाहर ही रखूँगा अपने इन्वेंट्री में। गाइस सॉरी मैं चैट नहीं पढ़ पा रहा हूँ, रियली रियली सॉरी गाइस, ये डेड एंड है।
ओहो ओके, मैं नाइट विजन ऑन करने वाला हूँ, मैं रीजनरेशन ऑन करने वाला हूँ, सब चीज ऑन कर ली। वापस चलते हैं, इस साइड चलते हैं, इस साइड नहीं गया मैं। बस एक ऑप्सलिक और बॉस फाइट, मैं सीधा घर, क्योंकि यार पता है ये लास्ट। ओ नाइस, ऑप्सलिक मिल गया, बहुत बढ़िया भाई, क्या किस्मत है यार। अपन भाई वॉल्ट, अपन असली वॉल्ट हंटर है भाई, अपना किस्मत बहुत बढ़िया है भाई। यहीं पर ही फाइट करेंगे, इजी पीजी किल करेंगे बॉस को और निकलेंगे सीधा घर पे। अपने को चॉकलेट बार यूज करने का भी कोई दिक्कत नहीं अब तो, क्योंकि अभी अभी अपन को मिल ही चुका है। अब यहाँ के आसपास की चेस्टें लूटता हूँ मैं, क्योंकि 2 मिनट में मैं बॉस को मार दूंगा, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे आई थिंक। वकास खान भाई, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मेंबरशिप, कैसे हो ब्रो, वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रदर। अरे भाई सैंड माइन करो, सैंड माइन नहीं नहीं सैंड को छोड़ो यार, सैंड का क्या करेंगे अब। आ जा भाई क्रीपर, कहाँ जा रहा है। शायद से मैंने आसपास की चेस्टें लूट लिया यार, मैं पता है काफ़ी सारी चीज़ें ना मेरे को पता नहीं है। जैसे कि देखो ये, मतलब ये जो रस्ते वस्ते जाते हैं ना, यहाँ पे बहुत कीमती कीमती चीज़ें भी मिलती हैं, बट यहाँ पे बंदा ना फंस भी जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा ना गहराई में जाता नहीं हूँ वॉल्ट्स में, वरना भाई लूट तो एक एक नंबर की मिलती है इनके अंदर। मैं यहाँ पे ब्लॉक लगा लेता हूँ, ये देखो हेड मिला मुझे, मतलब मिल सकती है लूट अगर आप ढूंढना चाहो तो, ढूंढने वाले होने चाहिए बंदे। हाँ यहाँ पे एक हो रहा है चेस्ट, चलो और क्या है यहाँ पे, ग्रेवल है कंप्रेस्ड। मेरे पास 5 मिनट बचे हैं। ओके मेरे को सामने एक मेन ओर दिख रहा है, इम्पोर्टेंट ओर ले लो, नाइस। चलो गाइज अब मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ओ ये क्या है भाई, यार ये लालच है यार, छोड़ो भाई यहाँ पिल जाऊंगा मैं फालतू में। देबू नहीं, बटन मत दबा बाबू, यार मैं इसको मना करता हूँ ना अपनी गुड़िया को तो वो डर जाती है, वो बटन दबा रही है पता पीछे पीछे से। इनको भी माइनक्राफ्ट खेलना है भाई। चलो भाई मैं रेडी हो जाता हूँ खाना वाना खा के भाई, कभी कभार बॉस भारी भी पड़ सकते हैं तो इसलिए तैयारी करके फिर बॉस फाइट करेंगे। लास्ट चेस्ट हैं मेरे ख्याल से यहाँ की, और बढ़िया चेस्टें मिली है, कुकी मिल गई, शार्पनेस सिल्क टच ले लेता हूँ। ओ ये अच्छी चेस्ट है भाई, नाइस। इसको जितनी बार भी खोलूंगा ना इस चेस्ट को आवाज आएगी मस्त। बच्चे दूर रह मेरे से। चलो गाइस बॉस फाइट करते हैं, अपने पास 4 मिनट बचे हैं। यार ये इतने सारे नमूने क्यों आ गए, अब शांति से बॉस फाइट भी नहीं करने दोगे क्या मुझे। एंड गाइस मैं होप करता हूँ कि मेरे को यार आर्मर का कोई पीस मिल जाए बॉस फाइट से तो मजा आ जाएगा। चलो रेडी लेट्स गो, इजी पीजी मारूंगा इसको मैं, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। ओहो अरे इन्हें तो मेरा हेल्थ खा गया भाई, भाई ये अच्छा हेल्थ खाया इसने मेरा, कहाँ गया। ओ ये हेल्थ रीजनरेट कर रहा है, तेरी ऐसी की तैसी नमूने बूगी मैन, रुक तू तेरी तो। ओके गाइस इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, जा रहे हैं हम सीधा घर पे भाई, 12 सेकंड के अंदर, 11 सेकंड के अंदर, 10। ओके जाते जाते एक खा लेता हूँ, यहाँ पे टॉर्च लगा जाता हूँ, अगली बार आएंगे तो मिलेंगे। ओके गाइस भाई अपन ने 6 ऑप्सलिक ढूंढ लिए यार, अपन तो भाई मतलब प्रो बन गए भाई। नीचे की रूम है भाई, इतना टाइम ही नहीं था, अगर होता भी तो मैं लूट नहीं पाता भाई, टाइम ही नहीं था ब्रो, कैसे लूट पाता मैं बताऊं। तो चलो भाई एक मिला है अपने को ये, ठीक है, और इसको रख देते हैं हम यहाँ पे साइड में कहीं पे। यार चेस्टों की भी कमी हो गई मेरे पास, तो यहाँ रखते हैं साइड में, ठीक है। चलो भाई तो वेनिला का सामान तो वेनिला वाले में ही जाएगा, और ये घास पास फेंक देता हूँ मैं। चलो गाइस सबसे पहले बॉस क्रेट चेक करते हैं क्या मिला अपने को बॉस क्रेट में। ओके अरे भाई ये तो
टट्टी है ये, क्या है वैसे इसमें पाउच टाइप, ये क्या मिला? माइनर्स डिलाइट क्राफ्ट टुगेदर विद द फोर अदर पीस फ्रॉम द माइनर सेट कंप्लीट द माइनर रियलिक रियलिक इंक्रीज योर टाइम इन द वॉल्ट परमानेंटली बाय 30 सेकेंड बट ओनली वंस एक्सेस रियलिक स्टेटस कैन बी स्मेल्ट डाउन टू क्रिएट बाइटर लेमन्स। भाई ये इनसे 30 सेकेंड बढ़ जाएंगे मेरे, लेकिन 4 पीस होने चाहिए, उससे कोई रेसिपी बनेगी यार? कुछ अच्छा नहीं मिला यार अपने को, अंदर कचरा है सब। चलो भाई बाकी ये लूट अपनी भाई वर्थ इट है, पूरी वर्थ इट है भाई, ये तो गजब है भाई। ये देख रहे हो माल, देखो असली माल तो यही है भाई। ये क्या मिला भाई? ओ 1K का स्टोरेज डिस्क। अच्छा मेरे को रिफाइंड स्टोरेज का ये मिल गया भाई डिस्क, ये भी मिलते हैं क्या? फ्लक्स मी ग्लास केबल, केबल भी मिले हैं, ठीक है। अब जो मिल गया, मशरूम काहे को मिल गया भाई, इसको फेंको, मशरूम नहीं चाहिए अपने को। और कुकीज तो मैं खाऊंगा, और इसको रख देता हूँ इसमें यहाँ साइड में। अपने पास 2 वेंडर हो गए हैं, देखेंगे क्या दे रहे हैं ये, ठीक है। बट उससे पहले भाई मैं ये की यहाँ रखता हूँ सबसे पहले, तो क्योंकि की निकल जाएगी बैग से पता नहीं चलेगा। और एक गोल्डन की खरीदनी भी है मुझे, याद दिलाना। ओ डायमंड मिला, वॉल्ट डायमंड, नाइस। शलकर भी मिले हैं, एरो वैरो सब मिला है, ताम झाम ये, और ये तो हमेशा यहीं रहेगा, ठीक है। चलो बाकी सब निकाल लेता हूँ भाई, कचरा वचरा सब जितना भी है इसको बाद में छाटेंगे। और ये पूरा चेस्ट भर गया बे, ये वाला भी भर देता हूँ, ठीक है। कुकी तो मैं खाऊंगा भाई, कुकी को नहीं डालने वाला मैं कहीं पर भी। इसको फेंको, इसको फेंको, इनको रख दो, इसको भी फेंक ही दो। चलो गाइस अभी मैं सबसे पहले करने वाला हूँ क्या, इन कॉइन्स का कहीं बढ़िया जगह पे वो कर देता हूँ डिपॉजिट, यहाँ कर देता हूँ इनको कॉइन्स को। बैग में से निकालो सबसे पहले तो। अगर मैं यहाँ पे कॉइन्स को फेंकता हूँ क्या मेरा पाउच इन कॉइन्स को उठा लेगा? लेट मी चेक। ओ मेरे पाउच ने कॉइन उठा लिए, नाइस। ये देखो 5 एमरल्ड कॉइन हो गए, बहुत बढ़िया यार, पाउच भी कॉइन उठाता है। तो मुझे कॉइन भी यहाँ पे ब्लैक लिस्ट में डालने चाहिए यार, मेरे को कॉइन ब्लैक लिस्ट में डालने चाहिए, तो फिर मेरा पाउच ही उठाएगा ये कॉइन्स। चलो डाल देता हूँ, ज़्यादातर ये गोल्ड वाले ही और ये वाले ही मिलते हैं, ब्रॉन्ज वाले, ठीक है। नाइस, कुकी खाते हैं, लेवल अप बढ़ाते हैं और स्किल्स पॉइंट बढ़ाते हैं अपने भाई। 10 हो गए भाई, 4 अनस्पेंट स्किल्स पॉइंट हो गए मेरे पास, 4, ठीक है। अभी अपने को जाना है वापस से वॉल्ट में, और चलो चलते। लाइक करेगा जितने भी लोग हैं भाई, आई एम लेट, कोई ना रोहन भाई। केक हंट वॉल्ट होगा, केक हंट कैसे होगा यार? यार पहली बात तो ना मेरे को मुर्गी के अंडे नहीं मिल रहे हैं यार, अंडे कहाँ से लाऊं मैं मुर्गी के? मेरे को मुर्गी पालनी पड़ेगी यार, सबसे बुरी चीज़ मेरे को यार कोई भी पीस नहीं मिला यार बॉस फाइट से ना, जबकि 6 ऑब्सलिक वाली बॉस फाइट थी वो। चलो कोई ना, सबसे पहले की खरीद के लाते हैं गोल्ड वाली, शायद मेरे को वो भी करना चाहिए यार, जैसे मेरे को ये जो बढ़िया वाली की है ना, शायद जो लूट है ना, जो की वाली लूट है, वो की वाली लूट के हिसाब से मिलेगी मेरे को लग रहा है, की के हिसाब से। मतलब जितनी अच्छी और महंगी की होगी उतना ही अच्छा वॉल्ट भी होगा। यार यहाँ पे ना गेट लगाना चाहिए, कैसे हो चचा? ये रही गोल्ड वाली आजियम की, स्पार्क टैन की तो है मेरे पास, ये रही स्पार्कलैंड की, आजियम की चाहिए थी मेरे को, ये रही डायमंड की है, 3 डायमंड निकालने हैं, विड्रो 1, 2, 3। चलो भाई साहब ये की ले लेता हूँ, ये रही। अच्छा एक एमरल्ड भी है, एमरल्ड तो मेरे इसमें भी है पॉकेट में, ये रहा एक एमरल्ड। चलो ताऊ हमें की दे दो ताऊ, ये हमारे ताऊ जी हैं, शकल से लगते नहीं दाढ़ी वाले। चलो कोई ना,
तो ये ले लिया है वोल्ट यार। केक वाला सब केक केक कह रहे हैं। फार्म केक देगा, फार्मर केक देगा। अच्छा फार्मर को मुझे अपग्रेड करना पड़ेगा ना फिर। चलो फार्मर को अपग्रेड कर लेते हैं। मैं थोड़े से वो निकाल लेता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, एमरल्ड निकाल लेता हूँ, क्योंकि एमरल्ड से बहुत जल्दी हो जाएगा वो अपग्रेड। और मेरे पास फार्मर है ऑलरेडी, तो उसको केक तक अपग्रेड कर देते हैं। ठीक है, बनाना नहीं पड़ेगा केक अपने को। मनिक थिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर 20 ब्रदर, लव यू, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस मनी। चलो गाइस इनको मारना शुरू करते हैं, थोड़े एमरल्ड इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उसके बाद जाएंगे हम अपने फार्मर को अपग्रेड करने के लिए। एक सेकंड यार, मैं ना फेस कैम ऑन करता हूँ और आप लोगों को मिलवाता हूँ हमारे छोटे गेमर से। चलो खेले, बटन मत दबाना ठीक है, वरना मैं मर जाऊंगा गेम के अंदर। लेट्स गो गाइस, मीट माय डॉटर। ठीक है, ये म्यूट मत करो बाबू, उसको आवाज नहीं जाएगी फिर हमारी ऑडियंस को। फिर से म्यूट कर दिया था इसने। भाई बहुत मुश्किल है खेलना ऐसे ना। ओए नहीं, अगर गेम क्रैश हो गया तो बहुत देर में चलेगा। नहीं रे बाबा ऐसे नहीं करते। देखो यार मैं छोड़ देता हूँ इनको। नहीं 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 टूट जाता है वो ऐसे करने से। ओके गाइस चलो, अभी मेरे पास काफी सारे एमरल्ड इकट्ठे हो गए आई थिंक। इतने आग इतने काफी रहेंगे यार, इतने से हो जाएगा अपना काम। स्लॉट मिला है मुझे, ये स्लॉट तो अभी काम का है नहीं है, है ना। चलो इतने ठीक है भाई अपने को एमरल्ड। अरे यार ये बंद नहीं किया मैंने। चलो गाइस लेट्स गो। अरे स्क्रीन फ्रीज हो गई, देखो कह रहा था ना कुछ छेड़ ही देते भाई बच्चे। ओके सॉरी, मैंने कैम की वजह स्क्रीन बंद कर दी थी भाई, माय बैड। अरे भैया मुझे लगा मैंने फेस कैम बंद किया या तो मैंने स्क्रीन ही बंद कर दी। चलो इतने एमरल्ड निकाल के लाया हूँ गाइस मैं, सॉरी सॉरी माय बैड, मुझे लगा मैंने फेस कैम बंद किया है, मैंने तो स्क्रीन बंद कर दी थी। ओके और हाँ गाइस, मैंने वो ट्रेडर तो लगाए नहीं यार बाहर, ट्रेडर भी तो लगाने हैं बाहर। ये रखे ना वो ट्रेडर, कहाँ गए, हाँ इसमें रखे थे मैंने, ये रहे ये रहे। ये दो ट्रेडर भी तो लगा के देखने क्या दे रहे हैं भाई ये, क्या पता कुछ अच्छा दे रहे हो। और मैं इनसे मल्टीपल तो खैर नहीं हो सकती। हाँ दो, एक दो। ये चॉकलेट दे रही है, ये लारियल अमाम जैम दे रही है। यार ये तो सब एक जैसे निकल रहे हैं, क्या हो रहा है ये। चलो कोई ना, फिलहाल यहाँ पे किसान भाई था, ये रहा किसान भाई, इसको केक तक लेके जाना है मुझे। फिलहाल मैं गोल्डन एप्पल ले लेता हूँ इससे काफ़ी सारे, ठीक है। कुकी, कुकी की ज़रूरत मेरे को, एप्पल ही ले लेता हूँ यार। अरे ये मास्टर हो चुका है ऑलरेडी भाई, ये केक नहीं दे रहा। अरे तो इसका मतलब केक कोई और देगा। रुको मैं पहले तो ये हटाता हूँ यार, यहाँ से ये हटा के यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। और इस फार्मर को हटाना पड़ेगा मुझे,
मैं दूसरा किसी को फार्मर की जॉब देता हूँ। मैं इसको दे देता हूँ, ये नल्ला लग रहा है मुझे। नहीं यार, नीचे लगाता हूँ। रेड हो गई यार फालतू में। पहले इस विलेजर को उठाओ, ये तोड़ो। अब यहाँ पे ये लगाओ। अब विलेजर को रखो यहाँ पे। अब रखो ये ऐसे। ले ले इसने जॉब। अब मेरे को इसको पहले ये बेचनी पड़ेगी। सन्नी भाई आप एडवेंचर का बोल रहे थे। अरे हाँ यार, मैं पता क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ ओनली वन के साथ जाऊँ एडवेंचर पे, तो एडवेंचर बहुत फनी होता है, मजा आता है। यार मैं केक के लिए क्या करूँ भाई? केक केक के लिए मुझे ये कैसे डील करना होगा इससे? आई थिंक मुझे ये एमरल्ड वाले डील कर लेता हूँ। ये एमरल्ड वाली डील से शायद केक दे सकता है ये फार्मर। शायद केक नहीं देता है। अरे देता है ब्रो, शायद देता है या नहीं भी देता। अबे यार कंफ्यूज कर दिया तुम लोगों ने। चल भाई जल्दी बदल अपना प्रोफेशन, अपग्रेड हो जा। देते हैं शायद गाइस, मैंने सुना तो है, मतलब देखा है कहीं पे कि फार्मर्स देते हो, मतलब केक देते हो भाई, कुछ और नहीं। तुम्हारे पास कुछ एग पड़े हैं, उसमें से शायद मुर्गी निकल जाए। अरे अरे हाँ सही कह रहे हो यार। चलो चेक करता हूँ मैं ना। बाय द वे मैंने बहुत सारा कचरा खरीद लिया है खाने का, मैं ये खाने नहीं। ओ ये रहा ना केक, लेट्स गो। एक केक ले लेता हूँ भाई, एक से ज़्यादा ले लेता हूँ यार, कई बार ज़रूरत पड़ जाती है। केक निकल गया भाई, मुबारक हो, केक हुआ है। मतलब केक निकला है। यार मेरे को स्टोरेज रूम बनाना पड़ेगा भाई, मैं बहुत आउट ऑफ स्टोरेज हो रहा हूँ, वरना मेरा तो हो गया काम यहाँ पे भाई, स्टोरेज नहीं बनाया तो। मुझे स्टोरेज की सख्त ज़रूरत है भाई, सख्त से भी ज़्यादा। चलो गाइस केक के साथ मिला करके देखते हैं वॉल्ट को मिलता है कि नहीं मिलता, ठीक है? वैसे तो मिलना चाहिए भाई। और दूसरी बात ये कि मेरे को थोड़ी सी और टॉर्च बनानी पड़ेंगी, सो आई नीड लिटल बिट कोल। ये रहा कोल, इससे शायद से कुछ तो बनेंगे। 40-50, 61 हो गए, आई थिंक 61 इज इनफ। लेट्स गो एनविल पे चलते हैं और केक को मिला लेते हैं। भैया आपको केक हुआ है मेल वाला? ठीक है भाई। चलो एनविल से मिला लेते। ओ नाइस केक हंट, लेट्स गो। अबे मेरे को इस चीज़ का नहीं पता था भाई, तुम लोग को कैसे पता है भाई केक मिला सकते हैं? भाई तुम ओपी हो यार, तुम लोग भाई लोग ही नहीं हो, तुम कुछ और हो। सीरियस मत लेना भाई, ठीक है? चलो गाइस जाने वाले केक हंट करने के लिए, कुछ लेना तो नहीं है ना स्पेशल चीज़? ओके ऑलमोस्ट सभी चीज़ें तो ऑन है मेरी। सन्नी भाई स्वॉर्ड में लूटिंग 50 कर लो, सही है यार। अभी तक तो 40 तक, मतलब लूटिंग 24 ठीक चल रहा है, नहीं तो ज़्यादा कचरा भर जाया करेगा फिर। चलो गाइस पता नहीं ये वोल्ट कैसा होने वाला है भाई। 23 केक फाइंड करना है वोल्ट में। ओके भाई पहले वॉर्न कर दिया इन्होंने, ठीक है 23 केक वो फाइंड करना है ना। कोशिश करेंगे पूरा पूरा करने की। पहले तो मुझे ये डिलीट करना होगा और दूसरा लगाना होगा भैया यहाँ पे। लेट्स गो बना देते हैं एक और यहाँ पे अपना लंबा सा नाम दे करके। ये लो भाई देखते क्या आया है। इंटर ए पर्सनल स्पेस लक्की प्लेंटीफुली स्पीडी ग्लाइडेड वॉल्ट। भाई ये क्या मतलब हुआ? यानी कि काफ़ी अच्छा है यार ये वाला वॉल्ट। फाइंड द केक 0 after 23। लेट्स गो गाइस, रेस शुरू हो गई अपनी। वेर इज द येरो? तो मेरे को 23 केक ढूंढने हैं भाई, मतलब पूरे कोने कोने में छुपना पड़ेगा। ओ ये स्पीडी है, मतलब स्पीड मिली है मुझे, बहुत बढ़िया भाई। 23 केक ढूंढने हैं मेरे को, आई डोंट नो कहाँ मिलने वाले हैं भाई। बीच में रखे हुए मिलेंगे तो ज़्यादा बढ़िया मेरे लिए, ऐसे कूद कूद के देखना पड़ेगा मुझे ऊपर। ये क्या है, केक है क्या? ये तो पंपकिन है बे। ओके देखो भाई केक, देखो आसपास दिख रहा है क्या?
नहीं दिख रहा। केक है क्या बाबूजी? केक है क्या? केक नहीं है बाबूजी यहाँ पे। ओ ये क्या था? कुछ तो था यहाँ पे। पानी है मगर केक नहीं है भाई। यहाँ से निकल लेते हैं, टाइम वेस्ट हो गया काफी सारा यहाँ पे, मगर केक नहीं मिला। ओ ये बंद है, व्हाट? ये कैसा वोल्ट है भाई? क्या ये बंद है? ये नीचे की तरफ जा रहा है अभी। ओके ये ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ। यहाँ पे तो मेरे को कोई केक वेक नहीं दिख रहा भाई। आई थिंक ये वोल्ट जो है ना, मुझे नीचे ही नीचे जाना है। ये वाला वोल्ट बड़ा डिफरेंट है बे, ये सिर्फ माइन है। ओके इसके अंदर मुझे कौन गिरा? दीपा देख लियो इसने कोई ना बार। एक सेकंड गाइस, ठीक है भाई। तो गाइस यहाँ पे मुझे ढूंढने हैं 25 केक। अब मुझे नहीं लगता मैं 25 केक ढूंढ पाऊंगा। अगर मुझे 25 केक मिल गए तो मुझे क्या करना होगा? मुझे वापस जाना होगा क्या? ये तो भूल भूल गया है बे, खत्म रास्ता भाई। एक नहीं मिला मुझे केक, 25 कहाँ से ढूंढूंगा मैं? पॉइंट 25 केक्स, एक भी नहीं मिला 25 ढूंढने। ओके लेट्स फाइंड सम डिलीशियस केक जो कि मिल ही नहीं रहे भाई। ओके नथिंग, एक भी नहीं है भाई, रास्ता खत्म। 10x gamer भाई थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मेंबरशिप। 25 केक ढूंढने हैं, एक भी नहीं मिला है। क्या बे, कुछ भी दे देते हैं वोल्ट वाले। ओके मैं एक स्टेप नीचे आया, यहाँ पे नेदर राइट है, ये है ये है। अब वापस जाना ऊपर, कुछ भी नहीं है नीचे भाई। अबे क्या वोल्ट है बे ये? कुछ भी नहीं है यहाँ पे। नहीं बे कुछ नहीं है यहाँ पे भाई, ऊपर ही जा रहा हूँ मैं वापस, टाइम वेस्ट हो रहा है। 20 मिनट हो गए कुछ नहीं मिला भाई। ये नीचे तो सब कुछ चेक करके आ गया मैं। ओ ये एक रास्ता और है। नहीं कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ से आवाज आ रही है। अब ये क्या वोल्ट है बे, नहीं समझ आ रहा मेरे को भाई। विच माइक स्टैंड डू यू यूज ब्रो? आर्म स्टैंड यूज करता हूँ मैं, बूम आर्म स्टैंड। आर्म समझते हो ना, हाथ, हाथ वाला। तो ये आता है आपका 700-800 रुपए का माइक स्टैंड आता है, ये बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त माइक स्टैंड है। बट वेयर इज द केक ब्रो? 25 केक ढूंढने हैं, घंटा, एक नहीं मिला यहाँ पे। एक लाइन में रखेगा 25 केक। भाई साहब क्या करना है इसमें? ऊपर जाओ, मैप दिख रहा है ऊपर, कहाँ पे जाऊं? देखो ना ऊपर कुछ भी नहीं है, ब्लैक स्पॉट है भाई। यहाँ पे कह रहे हो क्या? इधर रुको, मेरा डैश आने दो। ये देखो कहाँ ऊपर, अबे क्या है भाई ये? नहीं है यार गाइस, ऊपर कुछ भी नहीं है, देखो ये कुछ भी नहीं है ऊपर, छत है ये तो। इसके अंदर जाना है क्या? कुछ
कुछ भी तो नहीं है, देखो यही घूम फिर के यही आ रहा है बार। ये देखो वहीं आ गया मैं वापस, यहाँ पे मैंने टॉर्च लगाई है, देखो आ गया ना वहीं पर ही। भाई वेस्ट हो गया ये हमारा, ये वाला वेस्ट हो गया हमारा, मतलब ये ब्रोकन है ये वाली चीज ना, केक वाली चीज आई थिंक ब्रोकन है। ये क्या, ये तो केक नहीं है भाई, ये तो कुछ और है। एक केक नहीं मिल रहा भाई, नहीं बे। ये बेडरॉक आ गया, कुछ नहीं है भाई, ये वाला ब्रोकन है भाई ये वाली चीज ना, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा मुझे केक वेक जैसा। ऊपर ही जाता हूँ वापस, दिस इज ब्रोकन गाइज, ये ब्रोकन है भाई। 50 केक ढूंढो, घंटा ढूंढो 50 केक, एक नहीं मिल रहा है यहाँ पे। ओ ये जगह कुछ नहीं है क्या, हाँ ये जगह कुछ नहीं है बे। ओके ना, यहाँ पे नया आया मैं, लेकिन केक तो फिर भी नहीं मिला यार। फिर वहीं आ गया मैं घूम फिर के ना। हाँ फिर वहीं आ गया घूम फिर के, यहाँ मिलेगा क्या केक, चेस्ट मिली है यहाँ पे मुझे, बट केक तो कोई भी नहीं है यहाँ पे भाई। केक है ग्रास ब्लॉक ढेर पे, चलो देख लेता हूँ वो भी, अभी तो टाइम है मेरे पास। ये कहाँ से आ गए, अब कहाँ सोए हुए थे इतनी देर से, एकदम से आ गए। कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ये तो ऊपर आ गया मैं वापस। ये लोग गाइस घास के ब्लॉक तोड़ देता हूँ, देख लेते हैं भाई कहाँ पे है केक। अरे यार कम से कम एक तो मिलना चाहिए था, 25 तो छोड़ो भाई, एक भी नहीं है यार। ये वाला वोल्ट ना ब्रोकन है मुझे लग रहा है, दिस इज नॉट वर्किंग ब्रो।
रूटीन 50 से जल्दी एमराल्ड निकलेगा। चलो ठीक है भाई, प्रतीक देख लेंगे ब्रो, जल्दी से 200 के हो जाएंगे भाई। ठीक है, क्या हो रहा है ये भाई यहाँ पे? केक वे केक ना पेक कुछ भी नहीं है, फालतू का वोल्ट खुला हुआ है। ये क्या वोल्ट है यार, ये 30 वोल्ट है। अपने पैसे बर्बाद हो गए थोड़े से। ओ ये क्या है, क्या ये केक है? व्हाट, केक मिला इतनी देर से? केक अभी एक ही मिला इतनी देर? अच्छा एक मिलेगा तो ही दूसरा मिलेगा। ओ भाई लास्ट के 13 मिनट में वो खुल गया। के पहले एक जगह में एक केक मिलेगा तभी दूसरा रास्ता खुलेगा। ओ हो भाई एक ये रहा केक, ऐसे तो खोल लिया मैंने केक। 25 केक घंटा, 25 केक, 10 नहीं ढूंढ पाऊंगा मैं, मेरे को लग रहा है। कौन सा खुला है भाई दरवाजा बता दो। अरे मैं तो लूट ही ले लेता हूँ भाई, छोड़ो मुझे लग नहीं रहा मैं सारे के सारे ढूंढ पाऊंगा। ठीक है तो ये है इसका कॉन्सेप्ट, कहाँ का खुला है गेट ये तो बता दे। अच्छा ये वाला खुला है क्या? चलो भाई समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है भाई यहाँ का। इस तरीके से 25 केक ढूंढने हैं मुझे। मतलब एक जगह पे एक केक मिलेगा, उस केक को उठाऊंगा तब जाके अगला रास्ता खुलेगा। और अब केक ढूंढते रहो यहाँ पे, कोने में छुपा देते हैं केक। ये तो और डिफिकल्ट है ना भाई, फिर तो यार फिर तो डिफिकल्ट है ये। ये वाला फिर इजी नहीं हुआ, डिफिकल्ट हुआ, क्योंकि देखो अब यहाँ पे मैं कहाँ ढूंढूंगा केक। देन मिल जा जल्दी नाइट विजन यार, केक दिख जाएगा ऊपर से। केक नहीं मिला लेकिन चेस्ट मिल गई बढ़िया वाली। यार इतने अच्छे अच्छे और है लेकिन केक ढूंढना जरूरी है। केक कहाँ है? अब केक नहीं मिल रहा फिर से गाइस, ऊपर से ये और आ रहे हैं नमूने इतने सारे वो भी। उधर लावा के पास, लावा के पास और किसको दिखा लावा के पास केक? मेरे को नहीं दिखा। ओ ये रहा तेरी, ऐसे की तैसे ऐसे छुपा छुपा के देंगे अब ये केक। तीन हो गए, कौन सा रास्ता खुला? अबे मैं मेरे को फिर वापस भी आना है क्या? ये तो गेम ने बताया ही नहीं, शायद मुझे वापस भी आना होगा भाई। मेरे को लग रहा है मैं रिस्क ले रहा हूँ। नो हो गए, लूट वूट छोड़ो केक ढूंढो यार, पता नहीं फिर भी क्यों मैं लूट उठा रहा हूँ यार। तुम लोग का नज़र मेरे से तेज है भाई। केक दे दो भाई, चलो कुछ तो लूट मिल गया वैसे मुझे। केक नहीं मिला, नीचे है क्या केक? ये रहा,
कहाँ से खुला रास्ता? ऊपर से खुला होगा रास्ता, लेट मी चेक, नीचे से तो नहीं खुला। ओके हाँ खुल गया रास्ता, वो वाला खुला है सामने वाला। यहाँ से तो आया था मैं। अरे भैया शिट यार, नीचे गिर गया मैं। कूल डाउन है जल्दी, कूल डाउन, कूल डाउन बेबी कूल डाउन। ना 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 ना, अबे गया, जा नहीं पाया मैं, शिट। चॉकलेट बार खानी पड़ेगी लगता है, मुझे सुपर पावर चाहिए होगी स्पीड में। नहीं ढूंढ पाऊंगा 7 मिनट में मैं 23 केक। दिस इज रियली रियली इम्पॉसिबल ब्रो, ये वाला वॉल्ट बहुत मुश्किल है। चलो कुछ काम की चीजें मिल गई। पर क्यों नहीं देते यार आमने सामने केक, इतना छुपा के क्यों रखते हो केक को? केक ही तो है, इतना छुपा के रखते हैं भाई केक, देख रहे हो? यार जब इतना डिफिकल्टी करना था तो थोड़े कम केक रखते होते, इतने सारे केक रखते हैं। नीचे देखना पड़ेगा, कोने में जा जा के देखना पड़ रहा है भाई। ऐसी बात है, मेरे को अपनी इतनी मेहनत से कमाया हुआ सामान हैकना नहीं है भाई। ठीक है मैं जा रहा हूँ वापस, कि सार नहीं, अगर मैं नहीं कंप्लीट कर पाया तो सारा सामान जाएगा, इसलिए वापस हो लो भाई, इसी में भलाई है। क्योंकि मुझे लग नहीं रहा मैं 6 मिनट में 23 मतलब 19 केक ढूंढ पाऊँगा, नहीं हो सकता भाई। एक रूम बहुत बड़ा है और उसमें छोटा सा केक कहीं भी फंसा देते हैं, मजाक चल रहा है मतलब। ठीक है दूसरे वॉल्ट में चलेंगे, इजी वाले में भाई, ये बहुत मुश्किल है। आसपास के चेस्ट लूट लेते हैं, बस वही बहुत है। ये रहा रास्ता, मुझे पता होता ना कि इस तरीके से खुलते हैं ये वाले वॉल्ट केक वाले, तो फिर थोड़ा जल्दी हो सकता था। बट भाई मेरे को आइडिया नहीं था, मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया इसी चीज में, तो वो मेरी गलती थी भाई। बट सीखा, कुछ नया सीखा हमने। ठीक है चलो भाई सामान रख देते हैं, अब दोबारा मैं केक वाला वॉल्ट तो नहीं बनाने वाला। ठीक है भाई ये सामान है भाई, काफी सारा मिल गया। चलो मैं ये अंडे खोल लेता हूँ, है ना, क्या पता इन अंडों में से मुर्गी के अंडे मिल जाए मुझे। काफ़ी सारे अंडे हो गए हैं मेरे पास, प्लस मेरे पास MCP हिंदी ट्रेडर। चलो ठीक है देखेंगे। एक वॉल्ट कुकी भी मिला है, और कुछ स्पेशल नहीं है इसमें। पांच स्किल हो गए गाइस मेरे पास, अब मैं कुछ अच्छी सी चीज खोल सकता हूँ अपनी। चलो और बैकपैक में और कुछ नहीं है स्पेशल,
कॉइन्स हैं, सिल्वर के कॉइन भी लगा देता हूँ इसमें ताकि सिल्वर के कॉइन भी ना उठाए। ये पत्थर भी लगा देता हूँ, और भाई तुम्हारा घास फूस भी लगा दूँ क्या, ब्लैक स्टोन भी लगा देता हूँ, तो ये नहीं उठाएगा। चलो गाइस एक क्रिस्टल और निकाल लेता हूँ मैं यहाँ से, प्लस मेरे पास ट्रेडर भी है, और मैं थोड़े अंडे निकाल लेता हूँ क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे अंडे हो चुके हैं। क्या पता इसमें से, वैसे तो यार अब अपने को ज़रूरत नहीं है मुर्गी के अंडे क्योंकि केक तो मिल ही गया ना अपने को। मेरा कमेंट देखो विशेष, ठीक है विशेष भाई, मिस्टर अज्जू गेमिंग 07 चैट पर ध्यान देते तो शायद इतना टाइम नहीं लगता, डिस्टेंस शो हो रही थी मैप पर। अरे यार मेरी गलती है, सॉरी ब्रो मिस्टर अज्जू भाई, इस वाले वोल्ट की मेरे को आइडिया नहीं था, प्लस सही कह रहे हो मुझे देख लेना चाहिए था। तो मैं अभी बनाने वाला हूँ स्टार नॉलेज असेंस, ठीक है ये बनाने वाला हूँ मैं, मेरे को एक स्टार कोर मिला था, मैं किसी अच्छी चीज़ के लिए नॉलेज खोलने वाला हूँ अपनी, ठीक है। प्लस जो थोड़ा सामान है वो कम कर लेता हूँ इन्वेंट्री से, खाने वाली चीज़ कोई नहीं है, ये रहा थोड़ा एसेंस, और भाई तुम्हारा ये कॉइन फेंक देता हूँ ऐसे ताकि मेरे पर्स में आ जाए, और इसमें से भी एसेंस ले लेता हूँ जितना भी है इसमें, इसमें यही था आई थिंक, इसमें रखा है क्या, नहीं देखो कितने सारे डायमंड है मेरे पास, काफ़ी डायमंड हो गए बे, नेदरराइट भी काफ़ी है मेरे पास, इसमें कोई एसेंस नहीं है, इसमें एसेंस, इसमें वॉल्ट डायमंड है एक, इसमें एसेंस नहीं है, इसमें एसेंस, ये रहा 21, और है क्या, देखो इसमें भी नेदरराइट है, इसमें भी डायमंड है, डायमंड तो भाई अपने पास मस्त हो गया एकदम। शायद यहाँ एसेंस नहीं है, चलो इतना एसेंस है मेरे पास, आई थिंक इतना एसेंस काफ़ी रहेगा भाई, मेरे को एक नॉलेज स्टार तो करना ही है भाई आज। ओके हो जाएगा एक नॉलेज स्टार, लेट्स गो। चलो भाई एक पॉइंट भी हो गया मेरे पास, इनको बाकी को रख देते हैं, और इसमें से मुझे ना ये वाले और निकालने हैं भाई, ये इम्पोर्टेंट और हैं पता है, इसके नहीं है ये, इनकी दुनिया के नहीं है ये, तो मेरे को इसमें नहीं रखने चाहिए, इनकी दुनिया का सामान कुछ और है, ये इस दुनिया का सामान है भाई। सारा सामान छाट लेता हूँ मैं, जो दूसरा है यानी कि वॉल्ट का सामान है, जो वॉल्ट का सामान निकाल लेना ज़रूरी है भाई क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये रहा वोल्ट का सामान, ये विलेजर्स को क्या हो गया, इतनी तेज तेज क्यों भाग रहे हैं, कुछ खो गया क्या इनका। ये देखो भाई म्यूटेडी म्यूटोडाई, और ये बढ़ाई रेयर होता है लेकिन मेरे पास पड़े हैं भाई ये भी। चलो आई थिंक निकाल लिया सारा ही मैंने, ये क्या है पिक्सी एप्पल, ओके मलिक फंस भाई थैंक यू सो मच फॉर योर 35 एंड थैंक यू सो मच फॉर योर 20 एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मेंबरशिप ब्रदर, भाई फुल सपोर्ट, थैंक यू सो मच ब्रदर, रियली अप्रिशिएटेड, एंड सॉरी भाई चैट वैट ना पढ़ने के लिए। चलो गाइज अभी अपने पास सारा सामान हो गया है, अब अपन एक वॉल्ट और खोलेंगे और इसको लगा देता हूँ मैं ऊपर जाके, बट अभी तक अपने को आर्मर का कुछ भी सीन नहीं मिला। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसको हम एक में भी डाल सकते हैं भाई, मतलब एक में भी डाल सकते, अबे एक में नहीं डल रहा ऑलरेडी एक क्यूब, अरे एक में कैसे डालते हैं यार, वो अच्छे वाला बनता है क्या, वेंडिंग, ये रही वेंडिंग मशीन, एडवांस वेंडिंग मशीन कैन बी होस्ट अनलिमिटेड अना अमाउंट और स्कॉर्च देन जेड पर्पल नेदर ब्रिक कलर्स, अरे इसको बनाना कैसे, ये खुलेगी कैसे भाई, तो खोलना पड़ेगा शायद से मुझे एडवांस वेंडिंग मशीन को,
चलो फिलहाल गाइस मेरे पास नॉलेज पॉइंट आ गए हैं, तो नॉलेज पॉइंट में मैं आज खोलने वाला हूँ भाई एक सबसे तगड़ी चीज, जो कि है ये। अबे इसके लिए तो 9 रिसर्च पॉइंट चाहिए, बहुत महंगे है यार ये तो, बहुत महंगे है भाई, मतलब इसको टाइम लगेगा खोलने में। चलो कोई ना, जब तक स्किल्स पॉइंट खोल लेते हैं भाई। स्किल्स पॉइंट तो हो गए ना, सबसे पहले तो डैश में डालने वाला हूँ मैं भाई, ठीक है। डैश को फुल अपग्रेड कर लिया मैंने, अब और ज़्यादा अपग्रेड करने के लिए मेरे को और स्किल्स पॉइंट चाहिए। डैश को मैंने इसलिए अपग्रेड किया है क्योंकि अब मेरा डैश बहुत जल्दी आया करेगा, देख रहे हो कितना जल्दी आएगा, मतलब कुछ ही सेकंड में आ जाएगा और मैं ऊपर तक डैश मार सकता हूँ और मेरे को फॉल डैमेज भी नहीं लगेगा। तो ये चीज़ मैं खोलता जा रहा हूँ धीरे धीरे, बहुत मस्त चीज़ भाई। फिलहाल यार ये एक में एक ही डल रहा है और यहाँ ऑलरेडी काफ़ी सारे हो गए हैं, तो मैं इसको यहीं रखता हूँ बाहर ना, और सोने चलते हैं भाई क्योंकि यहाँ पे आ गए हैं भाई फैंटम्स। और माइन करो प्लीज, देखना चाहते हो और माइन होते हुए कितने हैं मेरे पास। फॉर्चून 44 है, मैं सोच रहा हूँ फॉर्चून थोड़ा और बढ़ा लूँ, तो वैसे चलो फॉर्चून 44 बहुत हैं। चलो माइन और करते हैं गाइस, और माइन करते हैं, उल्टा बोल रहा हूँ यार मैं अभी। ये देखो बहुत ही रेयर ओर है ये, इसका एलियम और बहुत रेयर है ये वाला और। चलो कोई ना, करते हैं माइन, लेट्स गो गाइस। चलो माइन करते हैं ऊपर ले जा करके, दिन हो गया होगा तो दिन में और ज़्यादा मज़ा आएगा माइन करने में भाई। पहले तो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि कितने ज़्यादा दिखने वाले हैं। चलो रखते हैं इनको यहाँ पे, ढेर लगाते हैं इनका। ओके लेट्स गो, मैं फॉर्चून और नहीं बढ़ाने वाला यार, 44 काफ़ी आई थिंक मिल जाएगा मुझे अच्छा खासा अमाउंट, या और बढ़ा दूं कुछ और मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट है जो चमकते हैं, देख रहे हो। ये क्या है, ये क्या है भाई, परफ्यूम और अलग ही फिल्म है भाई, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है गाइस। ये वाला तो शायद और ज़्यादा वो नहीं है, रेयर नहीं है ये वाला, ये वाला रेयर नहीं है। बैनी, क्या नाम है इसका, बैनी वैनी जो भी है। ये मेरी वॉल्ट की मेहनत है पता है, दिस इज़ नॉट ईजी गाइस, इनको माइन करना इतना ईजी नहीं है भाई, मतलब ये कहीं कहीं पे छुपे हुए होते हैं इसलिए इनको माइन करना ईजी नहीं है बाय द वे, लेकिन माइन तो कर सकते हैं इनको ईजी पीजी। चलो भाई ये मस्त मस्त से और थोड़ा ऊपर नीचे सजा देते हैं, ये महंगे वाला और ये भी महंगे वाला। यार पता है मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे पास है ना 2 और बहुत महंगे हैं और इसमें ना इनके ड्रॉप करने के चांस बहुत कम होते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ यार थोड़ा सा और बढ़ा लूँ अपना ये फॉर्चून, क्योंकि मेरे को लालच आ रहा है, अगर इसमें एक ही बारी में तोड़ने से नहीं मिला ना तो दिक्कत हो जाएगी, तो मैं ऐसा करता हूँ थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ फॉर्चून। लेट्स गो, अपने पास एमरल्ड तो काफ़ी हैं तो मैं बढ़ा लेता हूँ यार, देखो सही रहेगा बढ़ाना मेरे हिसाब से, बाकी कुकी यूज़ कर लूँगा मैं और ये एप्पल भी यूज़ कर लूँगा। यहाँ पे मैं देखो यूज़ कर सकता हूँ सब चीज़ें, कैसे अभी देखना आप लोग, फालतू की चीज़ें हम फोर्ज में यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ इनको, जितनी भी फालतू की चीज़ें ऐसे, ठीक है। और अपनी फॉर्चून को बढ़ाते हैं, लेट्स गो। ये रही 44 हैं, इसको 45 हो गई, अब ये 46-47 हो गई, ठीक है। और बढ़ा लेते हैं इसको भाई, 47-48 हो गई यार, 49-50 करने के लिए और सामान लग रहा है, रुको यार क्या ये सब पेल दूँ क्या, सब चीज़ें पेल देता हूँ। चलो क्या करना है इनको रख के मुझे, अरे बहुत ही कम अमाउंट आ रहा है यार, महंगी चीज़ चाहिए होगी भाई तभी ज़्यादा अमाउंट आएगा। एंडर पल्स बेच सकता हूँ मैं, एंडर पल्स भी थोड़े बहुत रेयर होते हैं, ऊपर रखे हैं ना, मतलब एमरल्ड जितने रेयर तो नहीं होते लेकिन फिर भी कुछ तो पैसा मिल ही जाएगा इनका। एक स्टैक रख लेता हूँ अपने लिए, अरे भाई ख़राब नहीं होना। चलो मिल तो रहा है अमाउंट कुछ, मतलब एमरल्ड जितना तो नहीं मिल रहा, लेकिन एमरल्ड का ब्लॉक बना के रखना पड़ेगा, जगह नहीं बन रही।
अभी भी नहीं हो रहा यार, कुछ महंगे चीज रखनी पड़ेगी। थोड़े डायमंड यूज कर लूँ क्या? अरे यार डायमंड तो, ओ ये रहा ना एमरल्ड, एमरल्ड ओर, और है क्या एमरल्ड के? और लैपिस, सारा एमरल्ड यूज कर लेता हूँ जितना भी है ना। बाय द वे मेरे पास डायमंड के भी और आ रहे हैं। एमरल्ड एमरल्ड एमरल्ड, इसी बहाने टेस्ट भी हो जाएगी ये थोड़ी सी। चलो देखते हैं, काफी सारे हो गए अब। ओके अब बढ़ रहा है भाई, 50 होने वाला है, 50 इतना ठीक है भाई, 50 गरीबी आ गई है इसको 50 तक करने में, ठीक है इतना काफ़ी है भाई, 50 तक लाने में इसको गरीबी आ गई मेरे पास भाई। चलो डायमंड के और भी लेके चलता हूँ, डायमंड को भी माइन करेंगे क्योंकि मेरे पास डायमंड के भी पड़े हुए हैं, और फिर लेके चलते इकट्ठे एक ही साथ हो जाएंगे। इसमें नहीं है डायमंड, डायमंड और ये रहे 10, और है क्या भाई साहब डायमंड के और, डायमंड के और एक ये रहा, डायमंड डायमंड नहीं है, डायमंड नहीं है, डायमंड नहीं है। चलो लेट्स गो बॉयज, इट्स टाइम टू माइन। इसी बात पे एक लाइक हो जाना चाहिए माइन करने से पहले भाई, एक लाइक कर दो जिन्होंने भी कि नहीं किया भाई। एक बढ़िया सा एनिमेशन आएगा, वो आएगा चेहर स्टूडियो सुरेश चौहान, थैंक यू सो मच फॉर योर 40, सॉरी ब्रो थोड़ी आपकी सुपर चैट मिस करने के, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर योर सुपर चैट, बहुत बहुत थैंक यू भैया, आपने हमारा हौसला बढ़ाया यहाँ पे बैठ के। चलो गाइस अब करते हैं इसको माइन, फॉर्चून 50 है भाई, पहले एक तोड़ के देखता हूँ। देखो कुछ भी नहीं मिला ना, अरे मिला, अबे मिला है, बैग में चला गया मेरे, इसको ऑफ करो भाई, लेकिन उससे कुछ नहीं मिला यार। अरे यार देखो यही चीज मैं कह रहा था, कई बार मिलता भी नहीं है भाई। कितने मिलेंगे? 9 मिले एक से, इको जैम 1 से 14, ओ भाई साहब मिल रहे हैं भाई, मिल रहे हैं, मतलब आधे मिल रहे हैं आधे नहीं मिल रहे हैं। चलो और डायमंड तो देखो कितने मिले, 1 से 48, होली क्रैप, 2 डायमंड से मिले हैं मुझे ये, 2 और से। अबे ब्लैक ओपल कितने सारे हो गए, वेरी रेयर वोल्ट जैम, वो लेजेंडरी वोल्ट जैम, अबे ये तो बहुत हो गए बे भाई। अच्छा हुआ मैंने फॉर्चून बढ़ा लिया, ये देखो गाइस इन पे लिखा रहता है रेयर कौन से और वेरी लेजेंडरी कौन से और अनकॉमन कौन से। ये अनकॉमन तो खैर मिल जाता है, और ये भी अनकॉमन है, अनकॉमन को ऊपर रखो, ये जो लेजेंडरी और रेयर है इनको नीचे रखूंगा। यूनिक वोल्ट जैम, ये बहुत यूनिक है, परफ्यूम जैम 1 मिला था, 1 से मेरे को 51 मिल गए बे, ये अनकॉमन है इसको भी ऊपर रखो, होली क्रैप। चलो अभी तो डायमंड बहुत सारे रहते हैं, मेरे को लगता है मेरा इन्वेंट्री फुल हो जाएगा भैया। देखता हूँ कितने मिले, यूनिक वोल्ट जैम, यूनिक वोल्ट जैम, एंड भाई डायमंड को ऊपर आने दो, अनकॉमन को भी ऊपर आने दो, रेयर इसको नीचे रखो, रेयर को भी नीचे रखो, ठीक है भाई अभी तो बहुत सारे बाकी हैं भाई, मेरा इन्वेंट्री भरेगा मुझे पता है भाई, कितना सेटिस्फाइंग है यार ये, मेरा इन्वेंट्री भर गया भाई, तबाही मच गई यहाँ पे। होली क्रैप, 1 से बनेगा, हाँ बना लेता हूँ, चलो भाई। अरे यार स्पेस तो दे दो इन्वेंट्री में भैया, अरे यार स्पेस दे दो भैया, चलो गाइज मैंने इनका क्रिस्टल बना लिया, परफेयर बना लिया, ये परफेयर खुला भी हो जाता है क्या? नहीं, चलो इसका भी बना लेता हूँ, इसका भी बन जाएगा ऐसे करके, ये कॉमन है ये वाले तो,
ये तो इजी मिल जाते हैं, मतलब हर जगह मिल जाते हैं, रेयर वाले बहुत मुश्किल मिलते हैं। ये वाले भी, ये अनकॉमन है, ये थोड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन ये भी अपने पास भाई भर भर के हैं। लेट्स गो। और ये वाले भी ले लेता हूँ, थोड़े से अनकॉमन है ये वाले। ये क्या है, यूनिक वॉल्ट, इसका कुछ नहीं बन रहा, इसका भी कुछ नहीं बन रहा। ओके, डायमंड को यहाँ आने दो, बाकी थोड़े खुले भी रखता हूँ भाई। देख रहे हो, अभी तो बहुत सारे हैं। लेट्स गो भाई साहब, इन्वेंट्री फुल है मेरा इन चीज़ों से, और ये बहुत रेयर चीज़ें हैं। इको से क्या बनेगा, ईपी का भाई साहब, ये इसका भी नहीं बनाता भाई, देख रहे हो। ये आइटम्स बनेंगे इनसे, और ये आइटम बड़े ही, मतलब बहुत ज़्यादा यूनिक आइटम है, और बहुत रेयर आइटम है, और बहुत यूज़फुल आइटम है। ये क्या बनेगा, इसे सी ऑफ द आर्किटेक्ट सेट ए वॉल्ट क्रिस्टल ऑब्जेक्टिव टू बिल्ड ए वॉल्ट। ओके, जैसे हमने केक वाला वॉल्ट बनाया था ना, इसी तरीके से इससे हम अलग अलग तरीके के ऑब्जेक्टिव वाले बना सकते हैं। भाई साहब बहुत कुछ सीखना है अपने को वॉल्ट हंटर के बारे में ना, अभी तो कुछ नहीं आता भैया। ये क्या है, फ्लैश मास्टर रीज ग्रेट रिमूव वन लेवल ऑफ टैलेंट चंकी एंड रीगेन द स्किल पॉइंट स्पेंड। ओ, ऐसा भी कुछ होता है क्या, ठीक है। ये कहाँ से मिलेगा, इन्फ्यूज इटर्नल सोल। और ये क्या बन रहा है भाई, ट्रांसमोरिकेशन टेबल, इससे क्या होएगा, नेदरराइट लग रहा है, वॉल्ट नगेट लग रहा है। यार ये क्या अजीब अजीब चीज़ें बन रही है भाई, ये तो बनाना पड़ेगा मुझे ये वाली चीज़ तो। नेदरराइट तो है मेरे पास, ट्रांस कुछ करके ये है टेबल, चलो देखते हैं भाई। पहले तो अंदर जाते हैं, अपना कीमती सामान को छाट लेते हैं भाई, अपने पास आज बहुत माल हो गया है। ओके गाइस, खजाना बहुत है भाई, खजाना पूरा भरपूर है, और इस खजाने को मैं यहाँ रखने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे ही सारा वोल्ट का सामान है, ठीक है। और इसको बंद कर लेता हूँ थोड़ा सा बंदा इस तरीके से, और डायमंड के भी ब्लॉक्स बना के रख लेता हूँ भाई, काफ़ी सारे डायमंड हो गए हैं अपने पास। अभी अपन डायमंड्स को भी यूज़ में ले सकते हैं ना, इनके कॉइन्स वगैरह बना सकते हैं इनको डायमंड्स के, क्योंकि एमरल्ड के कॉइन्स तो नहीं बना सकते हम, बट डायमंड के कॉइन्स बना सकते हैं, ऐसा मुझे सुनने में आया है। लेट्स गो। बूम। ओ भाई साहब, महंगी महंगी चीजें हैं भाई इसमें। एक टेबल बनती है ना इसकी, ये रही कैटलाइज्ड डीकंस्ट्रक्शन टेबल, एक ये टेबल बनानी है मुझे, जिसके लिए भाई चार तो ये लग रहे हैं, दो ये लग रहे हैं। ओके, एक दो, ठीक है यही लग रहे थे ना। और भाई साहब तुम्हारा परफेर और परफेक्ट लैमियार बेनोटाइट, लैमियार बेनोटाइट, लारीमार, लारीमार और बेनोटाइट भाई, ये अलग ही तरीके के मटेरियल है। प्लस चार कैटालाइट फ्रैगमेंट, एक दो तीन चार, ठीक है भाई। और ये क्या है भाई, वॉल्ट एसेंस, ये कहाँ से मिलेगा। अब वॉल्ट एसेंस तो मेरे पास है ही नहीं, ये क्या बात हुई, इतना रेयर है क्या वो, जो मिला नहीं मुझे अभी तक। यार एसेंस नहीं मिला मुझे यार, ये तो अलग चीज़ हो गई फिर, एसेंस तो मिलना चाहिए था अभी तक। चलो कोई ना, एसेंस भी मिल जाएगा भाई, बाद में बनाएंगे फिर इसको। फिलहाल मुझे लगता है मुझे अपने लिए एक बढ़िया सी चेस्ट बनानी पड़ेगी, जिसमें मैं वेनिला की चीज़ें डालने वाला हूँ सारे की सारी, है ना। चलो एक पहले तो छाट लेता हूँ वेनिला की चीज़ें, और देख लेता हूँ मेरे पास कितने डायमंड है। ये डायमंड निकालो, गोल्ड निकालो, नेदरराइट निकालो, ये निकालो, ये निकालो। शलकर वलकर को पड़े रहने देते हैं अभी भाई,
बाय द वे शल्कर को तो मुझे यहाँ रखना था ना। इसमें रखना है शल्कर को मुझे। ठीक है भाई, इसमें भी है क्या कुछ? नहीं, इसमें है नेदर स्क्रैप, गोल्ड, आयरन। ओके, यहाँ पे भाई देख रहे हो नेदर राइट के बूट भी हैं। ये देखो डायमंड, गोल्ड, नेदर राइट, नेदर राइट इनगट, आयरन, नेदर स्टार और एंशिएंट डेब्रिस। और क्या है भाई इम्पोर्टेंट? गोल्ड का एप्पल एक, बाकी टोटम ऑफ अंडा आएंगे इसको बाद में छेड़ेंगे। सबसे पहले नेदर राइट इसमें रख देता हूँ। अब इसमें से भी छाट लेते हैं, कुछ है तो इसमें, कुछ नहीं है इसमें, इसमें इसमें भी कुछ नहीं है। चिकन का एग स्पॉन देख रहे हो। चलो थोड़े डायमंड यहाँ से मिल गए मुझे। शल्कर, एंसन डेब्रिस, गोल्ड, इनको रख देता हूँ मैं यहाँ पे। ये रहे, चलो गाइस अब ये इम्पोर्टेंट चीज़ें निकल ही गई हैं तो इनको मैं रख देता हूँ भाई, एक अलग से एक चेस्ट लगा देता हूँ। ये रही चेस्ट, यहाँ रख देता हूँ। कहाँ रखूँ भाई, खतरनाक चीज़ है ये, यहाँ रख देता हूँ भाई। ठीक है, ये मेन खतरनाक खजाना है मेरा। जल्दी मेरे को स्टोरेज का जुगाड़ करना है गाइज अपने। ठीक है, पहले तो ये खोल लेता हूँ भाई, आधे साथ में आधे साथ में। ओके, कुछ मिला? ज़्यादातर इसमें कुछ मिलता नहीं है। ओके, कुछ भी नहीं मिला, बस एक ये मिला है। इनको भी खोल लेते हैं भाई। कई बार इनमें भी खजाना मिल जाता है और कई बार कचरा भी मिलता है इनमें। ओ 20 डायमंड, होली क्रैप, वोल्ट की चीजें भी मिलती है क्या इसमें? नाइस पैटी। बाकी खाने पीने की चीजें मिली है इसमें, डेप स्ट्राइडर। चलो भाई फालतू का कचरा इसमें भर देता हूँ। ऑब्सीडियन भी मिला है भाई। काफ़ी सारा एक्सपी भी मिला है। चलो डायमंड जाएंगे इसमें, डायमंड और एमरल्ड। एप्पल रह गया। वॉल्ट एसेंस ट्रेड के पास मिलता है, ट्रेडर के पास वॉल्ट एसेंस। चलो देख लेंगे। बाय द वे मेरे को एक ये भी बनाना था ना, कहाँ गया? ये रहा आयरन और रेड स्टोन, रेड स्टोन, आयरन। ये रहा 6 बना लिए मैंने। ठीक है, काम ही आएंगे बाद में, फिलहाल तो मुझे एक लेके जाना है ऊपर। एसेंस का जुगाड़ करना होगा यार मुझे। स्टार्ट एसेंस, लारिमार कोई भी नहीं दे रहा यार, एसेंस तो कोई नहीं दे रहा। और ये तो सोल्ड हो चुका है, कोई नहीं दे रहा एसेंस। एक बार राखी के पास जाके देखते, क्या पता वहां पे मिल रहा हो, क्योंकि इसने भी लगाए हुए थे थोड़े बहुत वोल्ट। नहीं है, नहीं है भाई वोल्ट एसेंस। ओ
ओके गाइस, तो यार देखो 10 बज चुके हैं और हमें लगता है यार आज का काम हमारा हो गया है। जाते जाते पैसे देख लेता हूँ। ओके, पैसे ठीक ठाक है भाई, ज़्यादा हाई फाई नहीं है, कम ही है। लेकिन अभी हमें लगता है गाइस आज का वीडियो हमें यहीं एंड करना चाहिए, और अब मिलेंगे हम आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में। क्योंकि मेरे को यार थोड़ा मेन चैनल के लिए मैं एक बहुत ही तगड़ी वीडियो बना रहा हूँ 4x4 गेमिंग के लिए, उस पर भी थोड़ा काम करना है यार। एंड यार काफ़ी टाइम से मैं वो भी खेल रहा था आर्क सर्वाइवल, तो थोड़ा टाइम वहाँ पे भी मेरा चला गया था। सुबर्स के साथ खेलते हो? सुबर्स सब्स के साथ खेलता हूँ भाई, आई वॉन्ट टू प्ले विद यू। खेल सकते हो यार बबलू आप भी। स्मेल्ट द बोट टू गेट 4 नेदरराइट इनगट। अरे स्मेल्ट करने से कैसे मिल सकते हैं 4? चलो जाते जाते हैं ना ये स्मेल्ट करके देख लेता हूँ यार, ये ना चीज़ मेरे को खा रही है। अगर मिल गए ना मुझे 4 तो मज़ा आ जाएगा फिर तो। मुझे पता है किस में स्मेल्ट करना है, ये उसी में ही करना है। और स्मेल्ट करने से नहीं मिला ना कचरा हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। ये लो स्मेल्ट ही नहीं हो रहा, ये आप बोलो स्मेल्ट ही नहीं हो रहा है अब ये। भाई किस में स्मेल्ट होगा, ये नहीं हो रहा स्मेल्ट। ये कुछ भी मत बोलो भाई, नेदरराइट के सामान से 4-4 इनगट कैसे मिलेंगे भाई। हाउ टू चेक पॉइंट, एक्सक्लेमेशन मार्क पॉइंट डाल दो, आ जाएंगे आपके पॉइंट्स। चलो यार मुझे लगता है बस आज का हो गया भाई बस, ठीक है। अब हम मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में यार। थैंक यू सो मच फॉर यहाँ तक देखने के लिए, और जिन्होंने भी भाई सुपर चैट वगैरह और मेंबरशिप लिए ना उनका तहे दिल से थैंक यू सो मच गाइज। प्रतीक भाई, आकाश भाई, जय सारून, जोशी वाईटी, जय भाई एंड नीलाक्ष शर्मा, धार्मिक, संगीता, वकास, मनिक, टेनेक्स गेमर, बैड बॉय, एनएस बर्ड वाईटी, वैभव, कल्याण, ब्लैक बूस्टर, मलिक फंस एंड भाई चेहर स्टूडियो, थैंक यू सो मच फॉर योर डोनेशन गाइज। सपोर्ट करते रहना। एंड हर्ष भाई बाय, थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग गाइज। मज़ा आ गया भाई आज, काफ़ी टाइम बाद खेला। अगली बार एडवेंचर करेंगे पक्का से, और कुछ चीज़ अपग्रेड करनी है मेरे को, वो भी अपग्रेड कर देंगे, ठीक है। और वॉल्ट की चीज़ें तो यार बहुत सारी लेके आनी पड़ेगी। रुको सर, अरे जोशी वाईटी थैंक यू सो मच भाई, जाते जाते भी एक सुपर चैट कर दी इन्होंने, थैंक यू सो मच जोशी भाई। चलो थैंक यू यार, मिलते गाइज। थैंक यू फॉर सो मच सब्सक्राइबिंग भाई, सब्सक्राइब के लिए भी थैंक यू सो मच। जाते जाते एक लाइक जरूर कर देना आप लोग भी, ठीक है। हम मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, रेगुलर स्ट्रीम अब होती रहेगी। चलो चाओ चाओ गाइज़।